हेलो एवरीवन, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। दैट इज आज हम लोग बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हमारा एल्जेब्रा का क्वेश्चन पेपर होगा और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलो हम लोग इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो ईयर 2020 था ना, इसमें तो कुछ भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, मतलब कि पूरा बुक जो है वो आया था एग्जाम में। लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इस पेपर में जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिड्यूस सिलेबस से होंगे वो हम नहीं करेंगे और वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है वो हमारा MCQ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट MCQ है वो तो हमको करना नहीं है क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है और फाइनेंशियल प्लानिंग हमको पूरा चैप्टर ओमिट है, ठीक है, यानी कि पूरा चैप्टर रिड्यूस हुआ है। चलो हम लोग सेकेंड MCQ करेंगे। यस, ये हमारे सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो हमको क्या बोला है कि यहाँ पे हमारे पास देखो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चार इक्वेशंस दिख रहे होंगे, हमको बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल होता है और जो मैक्सिमम इंडेक्स होता है वेरिएबल के ऊपर, ध्यान से सुनना, जो मैक्सिमम इंडेक्स होता है ना वेरिएबल के ऊपर, वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वैसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब होता है पावर, पावर भी बोलते हैं उसको, यानी कि जो वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ आता है ना, देखो ये क्या है, इंडेक्स है, या वी कैन ऑल्सो से पावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता है और मैक्सिमम इंडेक्स जो होता है वेरिएबल के ऊपर वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वैसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी, ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? अब यहाँ पे देखो, आपको डायरेक्टली जो है ना इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली आपको थाली में परोस के नहीं देंगे, हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ सकता है, सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, यानी कि थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन बी को जब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्स को हम लोग अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x इंटू फाइव क्या हो जाएगा 5x एंड इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है 4 है, ठीक है 4। तो यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है और जो मैक्सिमम इंडेक्स है, यहाँ पे देखो जो मैक्सिमम इंडेक्स है, मैक्सिमम इंडेक्स मतलब मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है, 2 है। इसलिए ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है ना वो क्या पर है, डिनोमिनेटर में है, तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ये वेरिएबल न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, ओके। और यहाँ पे देखो, ऑप्शन सी जो है, इसमें एक वेरिएबल है लेकिन जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है, 1 है ना, इसलिए ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और ऑप्शन डी अगर देखोगे और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमारा आंसर क्या होगा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये देखो ये जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, यानी कि इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है, 3 है, तो ये तो नहीं चलेगा, इसलिए ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन? मैं बहुत ही डिटेल में करा रही हूँ क्योंकि अगर जो बच्चा है ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं आता है, ताकि उसको भी समझ जाए, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं थर्ड MCQ, और ये हमारे सिलेबस में है क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये क्रैमर्स रूल है, ठीक है, क्रैमर्स रूल हमारे सिलेबस में है। क्या दिया है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इफ dx इज इक्वल टू 49 dy is equal to -63 and d is 7, then what is the value of x? अरे ये तो आपको भी पता है, आपको भी पता है, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल हमको क्या बोलता है? बताओ बताओ, क्रैमर्स रूल हमको क्या बोलता है कि जो x होता है, जो x होता है, x वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? dx अपॉन d। ओके, तो dx क्या है अपना 49 और d क्या है अपना d d d d d किधर है? हाँ, d है 7। ओके, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 × 1 = 7 एंड 7 × 7 = 49, यानी कि x की वैल्यू है 7। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चा लोग? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ लो? ओके, चलो अभी 4th एमसीक्यू करते हैं। क्या 4th एमसीक्यू हमारे सिलेबस में है? हाँ है, ये प्रोबेबिलिटी का ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एमसीक्यू है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमको पूरा एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए जो है वो है 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो है 1/5। देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, किसी भी इवेंट की अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय दैट इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप याद कर लो। ये फॉर्मूला है किसी भी इवेंट की, देखो ए क्या होगा यहाँ पे? हमारा इवेंट होगा, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस, ठीक है। अब जो वैल्यू हमको दी है वो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमको दिया है दैट इज 1/5, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 1/5। ओके, इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए दिया है, हाँ जी वो दिया है 2, तो 2 लिखेंगे। और हमको नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस फाइंड करना है, तो n ऑफ s ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे डिवाइड में है ना इसको वहां पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो 5 यहाँ पे डिवाइड में है ना इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो दैट इज हमारा आंसर क्या होगा? 1 into दिस विल बी व्हाट? दिस ओनली, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। ओके, इक्वल टू यहाँ पे ये जो 5 डिवाइड में है वहां पे ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5×2 क्या होता है? 10, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 10। ओके, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज व्हाट? 10, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1A सॉल्व, ठीक है, समझ में आया। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक मिनट ओके, चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। हमको क्या करने हैं? ये जो सब क्वेश्चन है, 4 सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 4 सब क्वेश्चन मिलेंगे और ये हमको सारे पूरे सॉल्व करने हैं, ठीक है। वैसे तो हम पूरा ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन हमारे सिलेबस में है क्या? हाँ, हमारे सिलेबस में है। ये एपी का क्वेश्चन है और एपी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये पूरा हमारे एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। ओके, यानी कि हमको क्या करना है? एक एपी है, उसका सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड करना है, यानी कि व्हाट वी हैव टू फाइंड? T2 और T3 हमको फाइंड करना है। ओके, और हमारे पास क्या है? उस एपी का फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म मतलब क्या? फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। तो ए है हमारे पास -2 और हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस है, एंड यू नो दैट कि कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, है ना, स्मॉल लेटर डी से। तो डी है हमारे पास -2। ओके, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, मैं इसको यहाँ पे प्लेन पेपर पे करके दिखाती हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास ए है, ए कितना है? -2 है, और हमारे पास डी है -2। ओके, और हमको क्या करना है? टर्म 2 फाइंड करना है। तो टर्म 2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो इसके इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मैं फर्स्ट तरीका बता देती हूँ कि वी नो दैट कि टर्म 2 जो होता है दैट इज गिवन बाय व्हाट? दैट इज गिवन बाय a + d एंड टर्म 3 जो होता है दैट इज गिवन बाय a + 2d, है ना। आपको पता ही होगा कि सपोज करो कि एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है। ए क्या है? उसका फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। ए क्या है? उसका फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है? सपोज करो कि उसका कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो उस एपी के जो टर्म्स होंगे दैट इज गिवन बाय व्हाट? ए ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी होगा हमारा सेकेंड टर्म, ए प्लस टू डी होगा हमारा थर्ड टर्म एंड सो ऑन. ठीक है, समझ रहे हो ना. यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म और ये हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म. तो हमको सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है टी टू इज इक्वल टू ए प्लस डी और हमको थर्ड टर्म फाइंड करना है इसलिए हमने लिखा है ए प्लस टू डी. ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास, ए है माइनस टू लिखेंगे, प्लस डी क्या है हमारे पास माइनस टू है, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग माइनस टू लिखेंगे. ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस टू और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू. ओके, तो दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो टू प्लस टू हो गया फोर और ग्रेटर नंबर साइन क्या है माइनस, तो माइनस. ओके, तो यानी कि हमारा टर्म टू है माइनस फोर. टर्म थ्री फाइंड करते हैं, तो टर्म थ्री को हम लोग ये फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा माइनस टू, तो माइनस टू प्लस टू और डी क्या है हमारा, डी है माइनस टू, तो माइनस टू. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, माइनस टू और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और टू टू जा क्या हो जाएगा फोर, तो दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस होगा प्लस और टू प्लस फोर होगा सिक्स एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस सिक्स. यानी कि यहाँ पे देखो जो हमारा आंसर है टी टू जो है वो हमको मिला माइनस फोर मिला और टी थ्री जो है वो हमको मिला माइनस सिक्स. तो दिस इज अवर आंसर. ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इजी है. इसको आप एक और एक तरीके से कर सकते हो, मैं एक और एक तरीका बता देती हूँ. और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमको टर्म टू फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म वन है, देखो ये टर्म वन जो है वो क्या है हमारा माइनस टू है ना, तो टर्म वन में अगर हम क्या करेंगे, ये कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको ऐड कर देंगे तो हमको टर्म टू मिल जाता है. तो दैट इज इक्वल टू सेम आंसर होगा. टर्म वन क्या है हमारा माइनस टू और प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस टू. बस इसको सिंप्लीफाई करो जैसे यहाँ पे किया था, तो आंसर क्या आया माइनस फोर है ना. वैसे अगर हमको टर्म थ्री फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका प्रीवियस टर्म है यानी कि टर्म टू में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमको टर्म थ्री मिल जाएगा. तो टर्म टू कितना मिला हमको, माइनस फोर मिला ना, तो यहाँ पे माइनस फोर प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा माइनस टू, तो माइनस टू लिख देंगे. और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देख लेना आपको माइनस सिक्स ही पक्का मिलेगा. ठीक है, तो ये वाला वे करना है तो ये वाला वे करो, या फिर ये वाला वे करना है तो ये वाला करो, आपकी मर्जी. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो ये फर्स्ट वन हमने कर दिया. चलो सेकेंड वन हमको नहीं करना है क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है एंड यू नो कि ये तो हमको नहीं है सिलेबस में. ठीक है, चलो अभी थर्ड वन करते हैं. थर्ड वन तो बहुत ही ईजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है और ये हमारे सिलेबस में है. क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, हमको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. व्हाट इज दिस ए एंड बी, तो आपको शायद पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होगा. अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ax square plus bx plus c is equals to 0. ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको हम क्या करेंगे, मतलब कि ये जो हमारा क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से और हमको a और b की वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अगर नहीं है तो पहले अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना. आप जैसे कि देख सकते हो, सबसे पहला क्या होता है, पावर टू वाला टर्म होता है, उसके बाद पावर वन वाला टर्म और फिर होता है कांस्टेंट. और जो राइट हैंड साइड है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली जीरो होना चाहिए. तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे. अब कंपेयर करके आप बता दो ना a और b की वैल्यू क्या है. चलो चलो बता दो. तो a की वैल्यू है 2. देखो कंपेयर करो, a क्या होता है, a जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर जो है ना हमारा वेरिएबल वाला पार्ट, इसका कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a होता है. तो a हो गया 2 और b क्या होगा, b क्या होगा हमारा जो x है ना, x वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो होता है हमारा b. तो यहाँ पे देखो x जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट क्या है, -5, नॉट 5, हाँ -5. साइन देखो जरा, तो b हो गया हमारा -5. डन हो गया, थर्ड वन हो गया. ठीक है, क्लियर है, समझ में आया. a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -5. चलो अभी हम फोर्थ वन करते हैं. फोर्थ वन देखो हमको क्या दिया है, ये हमारे सिलेबस में है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है. आप देख लो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और हमको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और अगर तुम लोग यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को नोटिस करोगे, रुको मैं तुमको बताती हूँ, यहाँ पे तुम लोग ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, नोटिस करो। देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को जरा सा थोड़ा सा नोटिस करो। यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें जो एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वही हमारा सेकेंड इक्वेशन में वाई वेरिएबल का कोएफिशिएंट है ना। और जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो वाई वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वही हमारा सेकेंड इक्वेशन में एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। यानी कि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स जो है वो क्या है, इंटरचेंज हुए हैं, है ना। तो इनको एक स्पेशल रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं और उस रूल को बोलते हैं एएसए रूल, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन रूल। लेकिन ये रूल हमको पूरा नहीं सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे ना, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करेंगे ना तो हमको x प्लस वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और वही हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो ASA रूल जो है ना इसका सिर्फ ये फर्स्ट वाला पार्ट करना है, यानी कि हमको क्या करना है, बस ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मुझे प्लेन पेपर लगेगा, तो मैंने यहाँ पे प्लेन पेपर की ऑलरेडी सुविधा करके रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो अपना इक्वेशन लिख देती हूँ, मुझे इक्वेशन लिखने दो फटाफट। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दिया है। अब सिर्फ हमको क्या करना है, ऐड करना है और हमको एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे मिलती है। तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से दोबारा लिखने वाली हूँ 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। ऐड करना है तो ऐड तो बड़े आसानी से हो जाता है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या होगा 2 और 2 प्लस 1 क्या होगा 3, ओके। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये वाई वाई है तो पहले वाई के नीचे वाई लिख दो। अब यहाँ पे ये 17 प्लस 15 करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, 7 प्लस 5 क्या होगा बताओ, 7 प्लस 5 होगा 12, तो ऊपर 1 कैरी और नीचे आ गया 2, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा 3, यानी कि 32, यानी कि 17 प्लस 15 होता है 32, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस लिख दो और यहाँ पे भी ये 15x प्लस 17x करोगे तो आपको क्या मिलेगा 32x मिलेगा। अब क्या करो, देखो यहाँ पे, यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, ये दोनों टर्म से क्या कॉमन निकाल सकते हो, 32 कॉमन निकाल सकते हो। तो 32 को बाहर कॉमन निकालो तो यहाँ पे बच गया x, है ना। यहाँ पे क्या बचा, x बचा, प्लस ये 32 तो बाहर कॉमन आ गया है तो यहाँ पे क्या बचा, y बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा y और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे देखो ये x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बरोबर। तो ये जो 32 मल्टीप्लाई में है ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। ये जो 32 मल्टीप्लाई में है ये इसके साथ डिवाइड में हो गया, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 वनजा 1/1 मतलब क्या 1, यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमको मिली 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। x प्लस वाई इज वॉट, दैट इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1b, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2a स्टार्ट करेंगे, यानी कि न्यू क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2a। यहाँ पे क्या होती है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक्टिविटीज आते हैं, ओके। तो क्या बोला है, कंप्लीट एंड राइट यानी 2 एक्टिविटीज, कोई भी 2 एक्टिविटीज आपको लिखने पड़ेंगे, एक एक्टिविटी आपको 2 मार्क्स की मिलने वाली है, ठीक है। हम तो सभी सॉल्व कर रहे हैं जैसे आपको पता है। तो फर्स्ट वन देखते हैं, फर्स्ट वन क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x - 6y = 3, यानी कि हमको क्या करना है, ये टेबल को सिर्फ कंप्लीट करना है। अब ये टेबल को कंप्लीट क्यों करना है, टू ड्रॉ द ग्राफ, लेकिन हमको ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना है, हाँ ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना है, बस क्या करो ये टेबल को कंप्लीट करो, ऐसा बोला है उन लोग ने। चलो तो हम लोग टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, 2x - 6y = 3। तो अब यहाँ पे अगर तुम लोग ये टेबल को नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे क्या लिखा है x, फिर नीचे लिखा है y एंड देन हमारे पास क्या है ऑर्डर पेयर x, y, ओके। अब यहाँ पे देखो ये जो सेकंड कॉलम है इसमें क्या होता है, इसमें हमारा देखो x का वैल्यू क्या है -5 है, हमको क्या करना है उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू फाइंड करनी है और जब हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम लोग को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x के जगह पे -5 पुट करेंगे, सिंपल है, और हमको उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेकेंड कॉलम है वो फिल हो जाएगा यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड कॉलम सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थर्ड कॉलम को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करोगे, -5। तो x के जगह पे -5 पुट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पुट करो, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के अंदर -5 लिखना, और आगे है -6y = 3। अब यहाँ पे देखो 2 × -5 क्या होगा, 2 × -5 होगा -10, है ना। 2 × 5 = 10, और क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा। तो आगे -6y = 3। तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो नंबर वाले जो टर्म्स है उसको, मतलब जो नंबर है उसको एक तरफ लेंगे, और जो वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको साइड में करेंगे। जैसे कि ये -10 है, इसको यहाँ पर ही रहने दो, और ये जो +3 है वो इस तरफ आएगा तो ये -3 हो गया, और ये जो -6y है वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6y हो जाएगा। यानी कि हम लोग ने नंबर को एक तरफ कर दिया और वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर दिया, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये -- क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 10 + 3 होगा 13, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, एंड = क्या है, 6y। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में 6 है, देखो हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो y के साथ जो है ना उसको भगाते रहो ताकि हमको एक y की वैल्यू मिले। तो यानी कि ये जो 6 मल्टीप्लाई में है y के साथ वो यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज -13/6 = y। यानी कि दैट इज हमको y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू क्या मिल गई, -13/6। देखो ये सॉल्व नहीं होगा, है ना, -13/6 जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, यानी कि हमको y की वैल्यू मिल गई -13/6, ठीक है। लास्ट में हम लोग ये टेबल को कंप्लीट करेंगे, उससे पहले हम लोग ये जो थर्ड कॉलम है उसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो थर्ड कॉलम है वो क्या है, अगर तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, x इज क्वेश्चन मार्क, y दिया है हमको 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें y के जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे करते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन है वो है ये वाला, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y के जगह पे 0 पुट करेंगे, दैट इज 2x - 6, और y के जगह पे 0 पुट करते हैं = 3, दैट इज 2x, और यहाँ पे 6 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज -6 0 = 3। अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बरोबर। 2x - 0 क्या होगा, 2x ही होगा, दैट इज 2x = 3। यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू मिल गई 3/2, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में आपको ये पूरा टेबल फिर से बनाना है, मतलब फिर से ड्रॉ करना है, और इसके अंदर सारे वैल्यूज आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली है, y की वैल्यू मिली है -13/6। अब इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे मतलब क्या, ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर हम लोग x की वैल्यू क्या मिली है बताओ, x की वैल्यू तो -5 है तो -5 पहले लिखेंगे, कॉमा, y की वैल्यू क्या मिली है, -13/6, ठीक है, ऐसे लिखना। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक मिनट दूसरा कलर ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या मिली है, 3/2, तो यहाँ पे आएगा 3/2, और y की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 दी थी। अब उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, पहले x की वैल्यू लिखनी है। मैं बहुत ही जोर लगा के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, x की वैल्यू पहले लिखनी है, और x है 3/2, तो 3/2, कॉमा, y की वैल्यू क्या है 0, तो y बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट टेबल। तो समझ में आया, फर्स्ट वन इजी था ना, ठीक है। चलो सेकेंड वन करते हैं। सेकेंड वन एपी मतलब कि चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्शन है, एंड एज यू नो कि चैप्टर नंबर 3 पूरा हमारे सिलेबस में है। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, हमको क्या करना है, S27 फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 6, और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सोल्यूशन में भी दिया, ये तो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ठीक है। आपको है ना ऑलमोस्ट पूरा, मतलब कि ऑलमोस्ट सोल्यूशन पूरा आपको लिख के दिया है, बस आपको बॉक्सेस फिल करने हैं, तो ये दिमाग लगाना, ठीक है। और हमको क्या करना है, हमको उस एपी के फर्स्ट 27 टर्म्स का सम फाइंड करना है ना। S27 मतलब क्या, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म ऑफ दैट एपी, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा शायद, सम निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो ये भी हम करने वाले हैं। रुको पहले बताती हूँ, देखो सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, आपको पता ही है फर्स्ट टर्म है 6 तो इसलिए 6 लिखा है। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से, वो है 3 और हमको S27 फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब SN का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, SN का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। हाँ, n/2 ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2a। यस, वेरी गुड। n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 फिर d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो और हमको S27 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट किए, जैसे कि यहाँ पे n हमारे पास 27 है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स फाइंड करना है। तो n हमारा क्या है 27 है, तो यहाँ पे n के जगह पे 27 आएगा, n के जगह पे क्या आएगा 27 आएगा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे भी n है तो n के जगह पे 27 लिखा अपॉन 2 और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे देखो ये जो 2a था वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा है 12 लिखा है। अब ये 12 कैसे हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखो a क्या है हमारा 6 है, तो a की वैल्यू जब 6 होगी तो 2 into 6 क्या होता है, 2 into 6 12 ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे ये 12 आया है। ठीक है, फिर प्लस n क्या है 27 तो n की जगह पे 27 -1 ब्रैकेट क्लोज और d क्या है हमारा, d है 3 तो इसलिए इस बॉक्स में आएगा 3। अब यहाँ पे देखो हमको एक बॉक्स दे दिया है, इस बॉक्स में क्या आएगा वो हम देखते हैं, पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करने दो। ठीक है, अगर आपको एडिशनल स्टेप्स डालने हैं तो आप एडिशनल स्टेप्स या एक्स्ट्रा स्टेप्स भी डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि जितना हमको एक्टिविटी में दिया है बस उसी को फिल करना है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको एडिशनल स्टेप्स डालने हैं तो यू कैन पुट, जैसे कि मैं अभी एडिशनल स्टेप्स लिखने वाली हूँ, जैसे कि ये हो गया S27। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे S27 इज इक्वल टू 27/2, अब ये ब्रैकेट ओपन 12 प्लस यहाँ पे देखो 27 -1 क्या होगा 26, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 26 एंड इंटू 3 है ना, यहाँ पे इंटू है, इनके बीच में इंटू है, इंटू 3 तो 3 ब्रैकेट के अंदर एंड ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक और एक स्टेप लगेगा और मतलब और 2-3 स्टेप लगेंगे तब जाके यहाँ पे जो एक आंसर आएगा ना वो हमको मिल पाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा 27/2 ब्रैकेट ओपन 12 प्लस, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 into 3 करो तो 3 6 क्या होगा, 3 6 हो जाएगा 18, ओके, 3 2 6 +1 7 यानी कि 78 आया, तो 78। अभी और एक एडिशनल स्टेप लगेगा तो S27 इज इक्वल टू 27/2 ब्रैकेट ओपन, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 12 प्लस 78, तो ये 2 प्लस 8 हो गया 10 और 7 8 9 यानी कि 90 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आएगा 90। यानी कि यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, जब हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ कोई अच्छा कलर लेती हूँ। यहाँ पे देखो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको 90 मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने स्टेप्स बता दिए आपको क्या करना है। ठीक है, 90 मिला। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली इन लोगों ने 45 लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो 2 और ये 90 को डिवाइड किया है, 2 1 2 होता है और 2 4 8 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 2 5 10, इसलिए यहाँ पे 45 लिख दिया है। अब 27 into 45 करो और फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो करते हैं, तो 27 into 45 करेंगे, शायद आपको ये कलर दिख रहा नहीं होगा, दूसरा कलर लेती हूँ। ठीक है, ये ले लेती हूँ, देखते हैं ये कलर कैसा है। तो 5 7 होता है, 5 7 35, फिर 5 2 10 प्लस 3 होगा 13 0, 4 7 क्या होगा 28, 4 2 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 यानी कि क्या हो जाएगा 5, 8 प्लस 3 क्या होता है 9 10 11, ओके 11 होता है और यहाँ पे 1 + 1 2 और यहाँ पे 1 यानी कि हमारा आंसर होगा 1215। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारे टेक्स्ट बुक का ही यानी कि प्रैक्टिस सेट का ही कुछ क्वेश्चन है, शायद ये हमारे प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन है। जरा सा नोटिस करना आप लोग। तो आई होप आपको ये सेकेंड वन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या सीख मिलती है कि एक्टिविटी में ना, जो ये एक्टिविटी देते हैं ना, उसमें अगर हमको एडिशनल स्टेप्स अगर अगर आप एडिशनल स्टेप्स ऐड करना चाहते हो तो यू कैन बिंदास ऐड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना हमको बोला है उतना ही हम फील करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एडिशनल स्टेप्स आप डाल सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग थर्ड वन करते हैं। मैं ये थोड़ा सा ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो थर्ड वन क्या दिया है, थर्ड वन हमारे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो पूरा है ना। क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द कार्ड ड्रॉन इज रेड कलर। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या है 52 प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है 52 प्लेइंग कार्ड्स है। और यहाँ पे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ है वो क्या हुआ है कि एक कार्ड को रैंडमली क्या कर रहे हैं हम लोग उठा रहे हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है कि वो जो कार्ड है, वो जो रैंडमली हमने एक कार्ड को जो उठाया है वो क्या होगा, रेड कार्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमको फाइंड करनी है। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो S होता है हमारा सैंपल स्पेस एंड वी नो दैट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा बिकॉज देर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, इवेंट A क्या होगा हमारा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट A लेंगे। और इवेंट क्या होगा कि जो कार्ड हमने उठाया है वो क्या है, रेड कार्ड है। ओके, इसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो इवेंट A क्या हो जाएगा कि कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड, ये हमारा इवेंट A है। ओके, अब यहाँ पे देखो टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, आपको कार्ड के बारे में तो पता ही होगा। ये जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें से क्या होता है, देखो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर तुम लोग और थोड़ा सा इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 26 ब्लैक कार्ड में भी क्या होता है 13 जो है, 13 जो है वो स्पेड के कार्ड होते हैं और 13 जो है वो क्लब के कार्ड होते हैं। ओके, और जो 26 रेड कार्ड होते हैं उसमें क्या होता है 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं और 13 जो है वो डायमंड के कार्ड्स होते हैं। किसके होते हैं, डायमंड के कार्ड्स होते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है टोटल रेड कार्ड्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे बॉक्स लिखा है, उसके बाद लिखा है हार्ट्स प्लस 13 डायमंड्स। यानी कि मैंने तो पहले ही बता दिया है, यहाँ पे देखो टोटल रेड कार्ड जो होते हैं उसमें 13 हार्ट कार्ड्स होते हैं एंड 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 है ना, 13 हार्ट के कार्ड्स प्लस 13 डायमंड के कार्ड्स, दैट इज वी कैन से कि टोटल रेड कार्ड्स जो है वो होते हैं 26। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A, यानी कि ये जो इवेंट A है इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स हो गए, यानी कि कितने रेड कार्ड है 26, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 26। अब हमको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला। देखो मैंने आपको MCQ में भी बोला था, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज गिवन बाय, दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस S, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A 26 है इसलिए न्यूमरेटर में 26 लिखा है, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है 52 है इसलिए देखो डिनोमिनेटर में 52 लिखा है। अब फाइनल आंसर क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करना इजी है। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे देखो 26/52 है ना, तो बहुत ही सिंपल है, ये तो याद ही कर लो। 26 × 1 = 26 होता है, 26 × 2 होता है 52, यानी कि हमारा आंसर होगा हाफ। ओके, 1/2 होगा, 2 नहीं होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये डिवाइड तो प्रॉपरली करते हैं लेकिन आंसर लिखने के टाइम पे क्या करते हैं, वो 2 लिख देते हैं, ये गलत है। न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर है 1/2। ठीक है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने रैंडमली जो कार्ड उठाया है वो क्या होगा, रेड कार्ड होगा। ठीक है, हाफ मतलब क्या, 50% चांसेस है कि जो हम कार्ड उठा रहे हैं वो क्या हो सकता है, रेड कार्ड हो सकता है। समझ लो। ओके, चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2B सॉल्व। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी वगैरह नहीं है, यहाँ पे हमको सब कुछ खुद ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट पता है ना आपको क्या होता है, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो ये डिटर्मिनेंट है हमारा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके डिटर्मिनेंट के अंदर जो नंबर्स है ना, एक्चुअली में वो क्या है, अपॉन में है, यानी कि फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पे बच्चे थोड़े घबरा जाएंगे, अरे अरे क्या फ्रैक्शन में नंबर दे दिया, अभी कैसे सॉल्व होगा, अरे टेंशन को मियाँ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लिख देती हूँ। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे देखो ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद क्या करोगे, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7/3 इंटू क्या करना है हमको, 1/2, ठीक है 1/2। इसको ब्रैकेट के अंदर डालना है तो डाल दो, अगर नहीं डाला तो भी चलेगा, ठीक है मत डालो, रहने दो। एक मिनट ये रफ कर देती हूँ, ब्रैकेट के अंदर नहीं डालते चलेगा ओके, और डाला भी तो भी चलेगा। अभी माइनस साइन, अभी माइनस साइन लगाते हैं आपको पता ही है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों जो हमारे नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5/3 इनटू क्या करेंगे हम लोग 3/2, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को साथ में सॉल्व करना है और इन दोनों को साथ में सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखो 7 1 जा, देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन में देख रहे हो ना आप नंबर, इसमें क्या करोगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 7 1 जा क्या होगा 7/3 2 जा क्या होगा 3 2 जा हो जाएगा 6, ओके माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छी बात क्या है पता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, अच्छी बात है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 5/2, ठीक है क्या बचा 5/2 बचा। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो ना, चलो करते हैं। तो 7 2 जा क्या होगा 14 माइनस 5 6 जा क्या होगा 5 6 जा होगा 30/6 × 2 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे करती हूँ नहीं तो नीचे चला जाएगा। तो 14 - 30/12 है, तो चलो अभी इसको माइनस करते हैं, तो 30 - 14 करना पड़ेगा, तो ये 10 हो गया ये 2 हो गया, तो 10 - 4 6, 2 - 1 1 यानी कि 16 आया। तो 16 लेकिन ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस डालना पड़ेगा /12। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और हाँ कर सकते हैं। ये दोनों कौन से टेबल में जाते हो बताओ, 2 के टेबल में जाते हैं बरोबर, या डायरेक्टली 4 ले लो, 4 के टेबल में भी देखो दोनों जाते हैं, हाँ 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -4/3, ठीक है -4/3। यहाँ पे देखो ये माइनस साइन को भूलना मत, ठीक है -4/3, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी जो वैल्यू हमको मिलके आई है, मतलब इसकी वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है -4/3। आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर है ओके। चलो अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड वन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड। वाह, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा एक पेपर में, मतलब ब्लैंक पेपर में करती हूँ। तो हमारा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है x स्क्वायर -15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2b का, एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन नंबर देख लेती हूँ, सेकेंड वन है ओके। चलो सेकेंड वन है ठीक है। चलो फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता ही होगा, क्या करेंगे अभी हम लोग सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट होता है ना इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट से। अब यहाँ पे तो x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 ही है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो 54 × 1 करोगे, 54 × 1 करोगे तो क्या मिलेगा 54 ही मिलेगा। ये सबसे पहली स्टेप होती है ठीक है, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर 2 3 4 होगा तो हमारी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो अलग निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसलिए अच्छी बात है। दैट इज 54 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमको मिलेगा 54, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अभी हमको 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। अब हमको 2 नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है 54 मिलता है, और ध्यान से सुनना, और जिसको ऐड करने पे, यहाँ पे क्योंकि प्लस साइन है ना इसलिए मैं बोल रही हूँ, जिसको ऐड करने पे हमको क्या मिलता है 15 मिलता है, 15 मिलता है। तो चलो बताओ कि ऐसे 2 नंबर्स, देखो ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है 54 मिलता है, और जिसको ऐड करने पे प्लस करने पे हमको क्या मिलता है 15 मिलता है। पहले तो वो 2 नंबर ढूंढ के बताओ, पहले वो 2 नंबर हम लोग ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो दोनों नंबर्स को कौन सी साइन देनी है, ठीक है। पहले बस वो 2 नंबर्स को ढूंढो ओके, वो 2 नंबर्स को फाइंड करो। तो ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 54 मिलता है और जिसको ऐड करने पे 15 मिलता है। 9 and 6, यस 9 6 जा 54, और ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमको 15 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये 2 नंबर्स ढूंढ लिए, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और 6, ये है हमारे वो 2 नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 54 मिलता है और जिसको ऐड करने पे 15 मिलता है। अब ये दोनों नंबर्स को साइन देनी है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। अब ये दोनों नंबर्स को हमको साइन देनी है। अब कौन सी साइन दे इनको, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसी साइन दो, ध्यान से सुनना, इन दोनों नंबर को ऐसी साइन देना ताकि सॉल्व करने पे हमको क्या मिले -15 मिले, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा मिडल टर्म है, ये क्या है हमारा मिडल टर्म है, और ये जो मिडल टर्म है ना वही क्या होता है स्प्लिट होता है, वही क्या होता है स्प्लिट होता है। आगे जाके इसको ही तो हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं ना, इसको ही हम लोग स्प्लिट करके ये दोनों टर्म का यूज करते हैं। इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि ये दोनों नंबर जो है इसको ऐसी साइन देना ताकि सॉल्व करने पे हमको क्या मिले -15 मिले। तो हम ये दोनों नंबर्स को कौन सी साइन देंगे, माइनस देंगे, है ना, ताकि यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस होता है प्लस, और 9 + 6 होगा 15, और ग्रेटर नंबर साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस। ओके, तो अभी हमने क्या किया, दो नंबर्स भी फाइंड कर लिए और उनको साइन भी दे दी। चलो अभी हमारा आ जाएगा मेन स्टेप, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे और हम लोग x की जो वैल्यूज है वो निकालेंगे, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा क्वेश्चन लिख देती हूँ, और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक मिनट, वो क्या है, x² -15x प्लस 54 = 0। तो अब जो हमारा यहाँ पे जो हमारा रिटर्न वाला प्रोसेस है, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, देखो x² यहाँ पे देखो ये जो -15x है इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे -9x, ठीक है, x तो लगाना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -15x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक मिनट यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ ना, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो -9x और आगे क्या है -6x, तो -6x और प्लस 54 = 0। अब यहाँ पे देखो मैं जो बोल रही थी ना आपको, ये देखो ये मिडल टर्म है ना, ये मिडल टर्म है, मतलब बीच वाला टर्म है, इसी को हम क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, और इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं ये दोनों जो हमारे नंबर्स है ना इसका यूज करते हैं, है ना। इसलिए हम लोग ये दोनों नंबर्स को ऐसी साइन देंगे ताकि सॉल्व करने पे क्या मिले हमको, सॉल्व करने पे क्या मिले, ये जो -15 है ना वो मिले। अब देखो तुम्हारे मन में या अपने दिमाग में इसको सॉल्व करो, माइनस क्या होता है प्लस, और 9x प्लस 6x करोगे तो क्या मिलेगा 15x ही मिलेगा, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस, है ना। तो मतलब ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको यही चीज मिल रही है। तो हमने कुछ ये क्वेश्चन में बदलाव नहीं किया है, हम लोग बस इसको एक अलग वे में लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको पता ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी बना देंगे, एक ये जोड़ी बनेगी, एक ये जोड़ी बनेगी, और यहाँ से बाहर कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1x बच गया, है ना, 1x। देखो ये दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है ना, दोनों में क्या है x है, 1x ज्यादा से ज्यादा 1x कॉमन निकल सकता है, तो 1x कॉमन निकाला, यहाँ पे 1x बचा माइनस, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, क्योंकि ये x तो बाहर कॉमन निकल गया है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आपको यहाँ पे माइनस साइन दिखती है ना, तो वो माइनस साइन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कॉमन निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो अंदर वाला जो टर्म होगा ना उसकी साइन चेंज होगी। ओके, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ, यहाँ पे अगर आपको माइनस साइन दिखता है तो सबसे पहले तो वो माइनस साइन को हम लोग बाहर कॉमन निकाल रहे हैं, और अभी अंदर जब देखो हम लोग टर्म्स को लिखेंगे ना तो ध्यान देना कुछ तो चेंज होगा, किसी की तो साइन चेंज होगी। तो हमने माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाला, अब और क्या हो रहा है, और क्या कॉमन निकल रहा है, 6 बाहर कॉमन निकल रहा है ना, यस, क्योंकि 6 9s 54 होता है, इसलिए 6 बाहर कॉमन निकलेगा। अब ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे तो क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पे तो एक्स बचा। अब यहाँ पे देखो ये जो प्लस साइन है ना वो माइनस में चेंज हो जाएगी, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाल रहे हैं। तो अगर माइनस साइन बाहर कॉमन निकला है तो मतलब ये जो टर्म है इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये प्लस साइन माइनस में चेंज हो गई, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 9 बचेगा। क्यों 9 बचेगा, क्योंकि देखो 6 तो बाहर कॉमन निकल गया है ना, देखो 6 9s क्या होता है 54 ही होता है ना, तो इसमें से 6 बाहर कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 ब्रैकेट क्लोज = 0। अब यहाँ पे देखो अगर तुम्हारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं इसका मतलब तुम लोग राइट डायरेक्शन में हो, यू आर ऑन द राइट पाथ, यानी कि तुम्हारा ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है, इसके 2 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है, अगर आप आगे मिस्टेक ना करो तो अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे x-9 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x-6 एंड = 0। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे x-9 है इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x-6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 0 है वो इसको देंगे और इसको देंगे, दैट इज x-9 = 0 और x-6 = 0। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x के वैल्यूज निकालेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। x ये -9 है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो +9, और यहाँ पे x ये -6 है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +6। यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स मिले हमको वो क्या मिले x = 9 और x = 6। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड वन। ठीक है, चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन। क्या दिया है हमको, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ओके, पहले तो हमको क्या करना है, डिसाइड करना है कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। ओके, अगर है तो क्या करेंगे, इसका 20th टर्म फाइंड करेंगे। अगर ये सीक्वेंस एपी में है ही नहीं तो मतलब इसका 20th टर्म हम लोग फाइंड करके फाइंड नहीं करेंगे। ओके, तो फाइंड कर ही नहीं सकते फिर तो हम लोग। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं अपना एपी नोट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मुझे क्वेश्चन नोट करने दो। तो यहाँ पे देखो ये है हमारे पास सीक्वेंस, और अभी हमको डिटरमाइन करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमको क्या करना है, इसका 20th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, सबसे पहले तो कि हमारा जो टर्म 1 है वो है -12, फिर टर्म 2 जो है वो है हमारा -5, टर्म 3 है हमारा 2 और टर्म 4 है हमारा 9 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड हम क्या बोलेंगे, सो ऑन। तो यहाँ पे देखो जो सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है बताओ, जब उस सीक्वेंस के 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, यानी कि सेम आता है, तब हम बोलते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो क्या है, हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। और कैसे निकालते हैं डिफरेंस, T2 - T1 करेंगे, दैट इज टर्म 2 माइनस टर्म 1 करेंगे। तो T2 कितना है, देखो हमारा -5 है तो -5 लिखेंगे, माइनस टर्म 1 कितना है हमारा, टर्म 1 -12 है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -12। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, -5 है तो -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो 12 - 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 7, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, यानी कि ये दोनों जो टर्म्स है इनके बीच में जो डिफरेंस मिला वो मिला 7। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो टर्म्स है, यानी कि ये जो हमारा T2 है और ये जो टर्म 3 है, ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो चलो कैसे निकालेंगे डिफरेंस, T3 - T2 करेंगे। तो T3 क्या है हमारा 2, ओके, माइनस T2 क्या है, टर्म 2 क्या है, -5। ठीक है, तो -5 लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, देखो 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +5, दैट इज 2 + 5 क्या होगा, अगेन हमको क्या मिला, देखो 7 मिला, यानी कि ये दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 मिला, ये दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 7 मिला, और अगर हम लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी 7 ही मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो डिफरेंस है 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गई, हमारी एपी हो गई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। आप कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या है वो तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द कॉन्सेक्यूटिव द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, हियर हम लोग क्या बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, द हियर द डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, हियर द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, Therefore the given sequence is an AP, यानी कि अब ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, अभी एपी है। तो अब हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो अभी हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस का 20th टर्म फाइंड करेंगे, यानी कि अभी हम क्या बोलेंगे कि हमको क्या करना है, T20 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, TN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर T20 निकालना है तो टी एन का फॉर्मूला क्या है, टी एन इज गिवन बाय दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ब्रैकेट के अंदर आएगा एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस का माइनस 12, यानी कि ए हो जाएगा हमारा माइनस 12 और डी जो है दैट इज जो कॉमन डिफरेंस है वो तो हमने यहाँ पे देखो ऊपर ही निकाल दिया था. ये जो डिफरेंस मिला है ना दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का ये 7 मिला है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है, यानी कि यही हमारा डी हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पे मिला है हमको 7. ठीक है, अब बस वैल्यू को पुट करेंगे और हमको 20th टर्म मिल जाएगा और एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एन की वैल्यू क्या होगी 20 होगी क्योंकि हमको 20th टर्म निकालना है. तो चलो पुट करते हैं, तो टी एन की जगह पे 20 पुट करेंगे इक्वल टू ए क्या है हमारा माइनस 12 प्लस एन के जगह पे 20 पुट करना है 20 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और डी क्या है हमारा 7. ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 20 माइनस 1 क्या होगा, वेरी गुड 19 और इंटू क्या है अपना 7, दैट इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 19 इंटू 7 क्या होगा, देखो 19 इंटू 7 करेंगे तो 7 नाइन जा होता है 63, 7 वन जा 7 और प्लस 6 करेंगे तो हमको मिलेगा 13 यानी कि 133. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 133 माइनस 12 करेंगे तो 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2 और 1 तो 1 आएगा यानी कि यहाँ पे आ गया हमको 121. ओके, और ग्रेटर नंबर साइन देखो प्लस है यानी कि प्लस आएगा, फाइनल आंसर प्लस में आएगा यानी कि जो हमारा 20th टर्म है दैट इज इक्वल टू 121. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके, इजी था ये भी. चलो, यानी कि थर्ड वन हो गया है हमारा. अब हम लोग देखते हैं फोर्थ वन जो है वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या दिया है. अ 2 digit नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2, 3, 4 नहीं है 2, 3, 5, 7, 9 विदाउट रिपीटेशन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज ऑड नंबर. ओके, यानी कि अभी यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, ये जो डिजिट है इसके मदद से हमको क्या करना है, 2 digit के नंबर बनाने हैं और हमको रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है, यानी कि विदाउट रिपीटेशन हमको क्या करना है, 2 digit के नंबर फॉर्म करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट. और फिर हमको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, ऑड नंबर फॉर्म हुआ है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस लिखेंगे, उसके बाद एक इवेंट लेंगे, है ना, तो ये सब तो करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. यहाँ पे देखो जो हमारे पास डिजिट्स जो अवेलेबल्स थे, यानी कि जो डिजिट हमारे पास अवेलेबल है वो कौन से है, 2, 3, 5, 7, 9 बरोबर यही है ना, एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ यही है. तो यहाँ पे देखो जो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, यानी कि जो हमारा एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये जो डिजिट है इसके मदद से अभी हम क्या करेंगे, 2 digit नंबर फॉर्म करेंगे. सारे जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है सब क्या करेंगे, सारी पॉसिबिलिटी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, 2 digit के नंबर फॉर्म करेंगे, लेकिन हमको रिपीटेशन नहीं करना है. रिपीटेशन नहीं करना है मतलब क्या, कि ये वाले नंबर्स नहीं चलेंगे, 2, 2 नहीं चलेगा, 3, 3 नहीं चलेगा, देखो यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहे हैं बरोबर, 5, 5 नहीं चलेगा. ठीक है, ये हम नहीं इंक्लूड कर सकते सैंपल स्पेस के अंदर. तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा 2 digit नंबर हो जाएगा 23, यानी कि ये 2 को क्या करेंगे, 2 को सबके साथ हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि सबके साथ क्या करेंगे हम लोग, पैरअप करेंगे, जैसे कि 2 को 3 के साथ पैरअप करेंगे तो 23 बना हमारा पहला 2 digit नंबर. उसके बाद 2 को 5 के साथ पैरअप करेंगे, 2 को 7 के साथ, उसके बाद 2 को 9 के साथ, वैसे ही 3 को सबके साथ पैरअप करेंगे. तो इजी है ना 2 digit नंबर बनाना, दैट इज 23. फिर हो जाएगा हमारा 25, उसके बाद हो जाएगा 27, 29. उसके बाद 3 को पैरअप करेंगे अभी सबके साथ, दैट इज 32, 35, 37, 39, है ना. तो 32, 35, 37, 39. इसके बाद अभी क्या करेंगे, ये जो 5 है उसको सबके साथ पैरअप करेंगे, दैट इज 52, 53, फिर हो जाएगा हमारा 57, 59. उसके बाद 7 को पैरअप करेंगे, दैट इज 72, 73, 75, 79. अब 9 को सबके साथ पैरअप करेंगे, दैट इज 92, 93, 95, 97. ओके, एंड करली ब्रैकेट क्लोज. तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया. अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, देखो 1, काउंट करो, ठीक है, अच्छे से काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 20. ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट लेके एक इवेंट लेके इस इवेंट को नाम दे देते हैं ए, और इवेंट ए जो लेके वो क्या हम लेंगे कि जो नंबर फॉर्म हुआ है द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो लिख देंगे, जो हमने इवेंट ए लिया है वो क्या लिया है, अ नंबर, ऐसे लिखना पड़ेगा. ठीक है, इवेंट ए क्या है, अ नंबर फॉर्म्ड इज एन इवन नंबर बोला क्या मैंने, ऑड नंबर है ना, हाँ ऑड नंबर, ऑड नंबर. ठीक है, नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर. तो अब यहाँ पे देखो ये जो इवेंट ए है, अब इवेंट ए को हम लोग क्या करेंगे, सेट के फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सैंपल स्पेस है इसके अंदर हमने बहुत सारे 2 डिजिट नंबर्स लिखे हैं. अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे 2 डिजिट नंबर्स है जो क्या है, ऑड नंबर है, उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इवेंट ए के अंदर लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 23 ऑड नंबर है, 25 ऑड नंबर है, 27 ऑड नंबर है, 29 भी ऑड नंबर है, बरोबर है ना, यानी कि 23, 25, 27, 29. ओके, 32 देखो, 32 क्या हो जाता है, हमारा इवन नंबर हो जाता है. यानी कि देखो ऑड नंबर तो आपको पता ही होगा, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो हो जाते हैं हमारे ऑड नंबर. सिंपल सी भाषा है. यहाँ पे देखो 23 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो ऑड नंबर हो गया. 25 नहीं, 27 नहीं, 29 नहीं, 32 2 के टेबल में आता है, यानी कि 32 इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए वो इवन नंबर है. तो जो नंबर इवन होते हैं वो ऑड नहीं हो सकते, और जो ऑड नंबर है वो इवन नहीं हो सकते, है ना. तो 35 हमारा ऑड है, फिर 37 इज ऑल्सो ऑड, 39 भी ऑड है. देखो 52 ये इवन है, अगर ये इवन है तो ये ऑड नहीं हो सकता, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे. 53, उसके बाद 57, फिर आ जाएगा 59. देखो 72 अगेन क्या है, हमारा इवन है, ये नहीं लिखेंगे. फिर आगे 73, 75, 79, ये देखो 92, 92 भी क्या है, हमारा इवन है, तो ये ऑड नहीं होगा, तो 92 को नहीं लिखेंगे. 93, 95 और 97. तो ये इवेंट ए हो गया. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए देख लेते हैं कितना है, तो यहाँ पे 16 आंसर आएगा. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. यस 16 बोला था ना, 16 आंसर. ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर हमारा जो फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए कितना है, 16, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 20. दैट इज 16/20. अब इसको देखो फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, कैंसिल आउट कर सकते हो ना, डिवाइड कर सकते हो ना, हाँ तो करेंगे. ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं बताओ, यस 4 के टेबल में जाते हैं, 2 के टेबल में भी जाते हैं, आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मतलब बड़ा नंबर ले लेते हैं ना, एक ही में अपना काम खत्म कर देते हैं. तो देखो 2 बोल दिया, 4 5s are 20 और 4 4s are 16. दैट इज हमारा आंसर होगा 4/5 इज द आंसर. ठीक है, समझ में आया, चलो अच्छी बात है. अभी ये तो हमको नहीं करना है क्योंकि ये जो है वो स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है जो हमारा नहीं है, है ना, सिलेबस में नहीं है. चैप्टर नंबर 6 ही है ना, चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, हाँ चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, तो नहीं होगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बरोबर. ये भी नहीं करना है. देखो क्वेश्चन नंबर 3A एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3A. इसमें क्या होगा, एक्टिविटी होगा. ठीक है, एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन फर्स्ट वन तो हमको नहीं करना है, ये भी हमारा स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है. स्टैटिस्टिक तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो फुल चैप्टर है वो रिड्यूस हो चुका है, तो ये हमको बिल्कुल भी नहीं करना है. ठीक है, ये सेकेंड वन भी हमको नहीं करना है, सेकेंड वन एक्टिविटी भी हमको नहीं करनी है क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग वाला है. ठीक है, तो ये भी नहीं करना है. चलो अब डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3B करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3B करते हैं, अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, हम तो सभी अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं अभी कौन सा सिलेबस में है वही अटेम्प्ट कर रहे हैं हम. तो फर्स्ट वन देखो, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है. ठीक है, सॉरी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी तो है. हमको क्या दिया देखो, बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स. ही वांट टू चूज one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that Pranali gets number 1 a red balloon, number 2 a blue balloon. ठीक है, बहुत ही easy question है. यहाँ पे देखो ये जो balloon vendor वाला जो है इसके पास क्या है, 2 red balloon है, 3 blue balloon है और 4 green balloons है. ठीक है। तो अभी ये जो बलून वाला है ना, इसको क्या करना है, रैंडमली कोई भी एक बलून को क्या करना है, चूज करना है और उसको प्रणाली को देना है। ओके, प्रणाली को एज अ गिफ्ट देना है। सपोज करो कि गिफ्ट देना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रणाली को क्या मिलता है, नंबर वन रेड बलून मिलेगा। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रणाली को जो है वो रेड बलून मिलेगा, नंबर वन ये फाइंड करना है। नंबर टू हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि प्रणाली को ब्लू बलून मिलेगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर ही लिखने को ट्राई करती हूँ, यहाँ पर ही लिख देती हूँ, बहुत ही सिंपल है ये। देखो सैंपल स्पेस क्या होगा, यहाँ पे हम लोग है ना, पता है आपको लेट, ऐसे ना आपको लेट लेना पड़ेगा। क्या लेट लेना पड़ेगा कि लेट जो टू रेड बलून जो है बलून वेंडर के पास, वो हम ले लेते हैं R1 R2, और जो 3 ब्लू बलून जो है वो हम ले लेते हैं B1 B2 B3, और जो 4 ग्रीन बलून है उसको हम लोग ले लेते हैं G1 G2 G3 G4, ठीक है। तो जो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है कि ये जो बलून वाला है वो रैंडमली क्या करता है, कोई भी एक बलून को सिलेक्ट करता है। अब वो जो बलून है वो कौन सा भी हो सकता है, राइट, कौन सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, उसके अंदर क्या आएगा, R1 आएगा, R2 आएगा, B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा, और G1 आएगा, G2 आएगा, G3 आएगा और G4 आएगा। ओके, और सबके बीच में कॉमा कॉमा जरूर लगा देना। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इवेंट लेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इवेंट लेना पड़ेगा। एक इवेंट लेते हैं, तो हम ले लेते हैं इवेंट ए। तो लेट ले लेते हैं कि इवेंट ए जो है वो क्या है कि जो प्रणाली को है प्रणाली गेट्स, यहाँ पे देखो यहाँ से ही आपको सेंटेंस बनाने को आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रणाली गेट्स अ रेड बलून, ठीक है, प्रणाली गेट्स अ रेड बलून। ये हमारा इवेंट ए हो गया। तो अब ये जो इवेंट ए है, ये जो हमारा इवेंट ए का जो कंडीशन है बेसिकली, इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने रेड बलून्स है, 2, यानी कि R1 R2 ये हमारे रेड बलून्स है। तो इवेंट ए हो जाएगा हमारा। अभी इवेंट ए को हम लोग सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे R1, R2, क्योंकि 2 रेड बलून्स है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट है। इसका नेक्स्ट क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए, और वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, ठीक है। अब हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए कितना है, 2, तो 2 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 9, तो 2/9। तो 2/9 इज अवर फाइनल आंसर, यानी कि इसका जो आंसर है वो हमको मिला है 2/9। मतलब कि प्रणाली को क्या मिलेगा, रेड कलर का बलून मिलेगा। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/9, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रणाली को ब्लू बलून मिलेगा, यानी कि ब्लू कलर का बलून मिलेगा। तो उसके लिए अभी हमको दूसरा इवेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग दूसरा इवेंट लेते हैं। आई होप आपको ये कलर दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग लेट लेने वाले हैं इवेंट बी, ठीक है। एक मिनट, दूसरा यहाँ पे हम लोग लेट लेंगे। नाउ लेट लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इवेंट बी है, और इवेंट बी की जो कंडीशन है वो क्या है कि प्रणाली, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, प्रणाली गेट्स अ ब्लू बलून, ठीक है। क्या लिखेंगे, ब्लू बलून। तो अब ये जो हमारी इवेंट बी की जो कंडीशन है, इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम है। तो ब्लू कलर के जो बलून है वो कितने हैं, 3 है, और उसके जो नाम हमने लिए हैं वो क्या लिए हैं, B1 B2 B3। तो यहाँ पे इवेंट B जो होगा दैट इज इक्वल टू B1, B2, B3, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट B कितना हो जाएगा, 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो इवेंट B है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज गिवन बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट B अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस S। तो ये है हमारे पास 3/9। 3/9 इज अवर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 3/9। तो इसका आंसर है 3/9, और इसका जो आंसर है वो है 2/9. दैट वॉज वेरी सिंपल. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन. चलो अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड वन. सेकेंड वन जो है वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है. तो वर्ड प्रॉब्लम तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आ सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ सकता है, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आ सकता है. तो मतलब ये हमारे सिलेबस में है. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला है. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन twice its numerator. Okay, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. और मैं अगर सच बोलूँ ना तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा टेक्सुअल क्वेश्चन है, और अगर मैं तुमको बोलूँ तो ये भी हमारा शायद टेक्सुअल क्वेश्चन है. ये भी हमारे टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है. मतलब मोस्टली जो 2020 का जो बोर्ड पेपर हुआ ना, इसमें टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये एक अच्छे वाले पेज में करते हैं. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. हमको यहाँ पे फ्रैक्शन को फाइंड करना है. तो पहले तो हम लोग यहाँ पे लेट ले लेते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है, x/y है. ठीक है, ये क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर होगा, और ये क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर होगा. तो हमने लेट ले लिया कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो है x/y. तो x is our numerator of the fraction and y is denominator of the fraction. अब बोलेंगे by first condition. जरा देखते हैं कि कंडीशन क्या है. हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे और हमको कुछ इक्वेशन मिलेंगे और देखते हैं कि हमको क्या मिलता है. ठीक है, देखो अब ये जो कंडीशंस दिए हैं ना क्वेश्चन में, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, वो लिखना आना चाहिए आपको. फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड फिर हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी. और जब हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी मतलब हमको हमारा फ्रैक्शन मिल जाएगा, है ना. x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और हमको हमारा फ्रैक्शन मिल जाएगा. अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, हमने अपना जो फ्रैक्शन लिया है वो क्या लिया है, x/y. इसको याद रखना. ठीक है, आप फ्रैक्शन कुछ भी ले सकते हो, a/b भी ले सकते हो, m/n भी ले सकते हो. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x/y लेना है. हमने x/y लिया. अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ओके, तो यहाँ पे देखो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो जो हमारा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है, y है, तो y लिख देते हैं. तो द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मतलब क्या, इक्वल टू. ठीक है, इज 4 मोर देन, मोर करना मतलब क्या, ऐड करना. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 मोर देन मतलब ऐड करना. तो पीछे हम लोग लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ट्वाइस मतलब क्या, 2 को मल्टीप्लाई करना. ठीक है, 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, हमको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो न्यूमरेटर क्या है हमारा फ्रैक्शन का, x है. तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x. यानी कि अब देखो, इसको पढ़ो, इसको देखो और इस सेंटेंस को पढ़ो. क्या बोला है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसका, एक मिनट, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. और न्यूमरेटर क्या है, x. तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई है. ओके, फर्स्ट कंडीशन को हमने मैथमेटिकली लिख दिया है. और अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिला है ना, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना, मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो पक्का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है ना. ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कौन से चैप्टर से होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर से होगा. ओके, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होते हैं, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर मिलते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से. तो यहाँ पे पक्का एलिमिनेशन मेथड लगेगा, देखना. लेकिन पहले सबसे पहले इसको अरेंज कर देंगे, पता है ना, एलिमिनेशन मेथड में अरेंज करना पड़ता है हमको जो हमारे इक्वेशन के टर्म्स होते हैं. दैट इज सबसे पहला यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो x वेरिएबल वाला जो टर्म है इसको यहाँ पर ही रखो. ये जो हमारा y वेरिएबल वाला टर्म है ये +y है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये -y हो जाएगा. और ये जो +4 है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -4. दैट इज जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2x - y इज इक्वल्स टू -4। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। देखो हम लोग ने अरेंज कर दिया, हमने ये टर्म्स को सारे को अरेंज कर दिया, पहले x वेरिएबल वाला टर्म, फिर y वेरिएबल वाला टर्म, फिर इक्वल टू और उस तरफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अकेला नंबर। ठीक है, समझ में आया? इसको अरेंज करके रख दो। अब बाय सेकेंड कंडीशन, चलो सेकेंड कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ both the numerator and the denominator are reduced by 6। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड कंडीशन है ना वो थोड़ी सी क्या है, ट्रिकी है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या हो जाता है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर हो जाता है। टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, टाइम्स का मतलब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या हो जाता है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर हो जाता है। लेकिन ये कब होता है, ये कब होता है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। यानी कि जब हम क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है इसको 6 से रिड्यूस करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, रिड्यूस बाय 6 करते हैं, तब जाके डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर हो जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस बाय 6 करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, -6 करेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस बाय 6 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को रिड्यूस बाय 6 किया और यहाँ पे हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को रिड्यूस बाय 6 किया है। तो अब यहाँ पे देखो फिर से हम लोग रीड करते हैं, ये कंडीशन क्या बोलता है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। यानी कि यहाँ पे अभी हमने क्या कर लिया है, ये न्यूमरेटर को रिड्यूस बाय 6 कर दिया है और ये डिनोमिनेटर को क्या कर दिया है, रिड्यूस बाय 6 कर दिया है। तो जो अभी हमारी सेकेंड कंडीशन है वो क्या बोलता है हमको, कि जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर है, राइट, तो जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 12 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर है हमारा ये, दैट इज ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x-6। यानी कि ये देखो सेकेंड कंडीशन क्या है, कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस बाय 6 करते हैं, यानी कि 6 से रिड्यूस करते हैं, तो क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर हो जाता है। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे है y-6। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चलेगा, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये 12 जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 12 into x क्या हो जाएगा, 12x, और आगे है माइनस, और 12 into 6 क्या होगा, 12 into 6 होगा 72। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ, नंबर वाले टर्म्स एक तरफ। तो यहाँ पे देखो ये 12x जो है उसको यहाँ पर ही रखते हैं, ये जो हमारा प्लस वाई जो है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -y। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये -6 तो यहाँ पर ही है तो इसको यहाँ पर ही रखते हैं, तो -6 को यहाँ पर ही रखेंगे, और ये जो -72 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +72। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि 72 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, 6 को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 66, बरोबर 66 मिलता है, एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू 12x - y। तो दैट इज जो हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो है 12x - y इज इक्वल्स टू 66। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो हमको हमारे 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल चुके हैं। ये है हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो फर्स्ट कंडीशन से मिला, ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है जो सेकेंड कंडीशन से मिला है। अब हम इसको क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख देती हूँ, 2x - y इज इक्वल्स टू -4, और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो इसके नीचे लिख देती हूँ, डेट इज 12x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 66। देखो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो ये जो हमारा y वेरिएबल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही देख लो, ये जो y वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है ना, और इनके साइन क्या है, सेम है, ये दोनों टर्म्स के क्या है, साइन सेम है। तो जब भी साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे तो आपको पता ही है कि जो हमारा नीचे जो इक्वेशन होता है उसके सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस 66 है तो ये माइनस 66 हो गया, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये जो प्लस है यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा। तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 66 प्लस 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 70, एंड ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस वाई प्लस वाई हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2x की जो साइन है वो है प्लस, और 12x की जो साइन है वो है माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12x माइनस 2x करो तो मिलेगा 10x, और ग्रेटर नंबर साइन है माइनस तो माइनस आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये माइनस हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70, और ये मल्टीप्लाई में जो 10 है वो आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में 10, दैट इज x इज इक्वल टू व्हाट, 10 × 10, 10 × 7 = 70, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7। ओके, x 7 मिल गया, मतलब क्या मिला हमको, न्यूमरेटर मिल गया है उस फ्रैक्शन का। अब हमको डिनोमिनेटर निकालना है, यानी कि y निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 7 पुट करेंगे और हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ही पुट कर देती हूँ, पहले तो मैं इक्वेशन को फिर से एक बार लिख देती हूँ। तो इक्वेशन लिख दिया 2, और अभी x के जगह पे 7 पुट कर रहे हैं, ठीक है। 7 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, तो 2 × 7 का क्या होता है, 14, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। तो अब देखो, यहाँ पे ये माइनस वाई है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा, और ये 14 तो यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही रहने दो, ये -4 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +4, यानी कि 14 + 4 कितना होगा, 18, दैट इज 18 इज इक्वल टू वाई, यानी कि वाई 18 मिल गया। तो यहाँ पे देखो, हमको हमारा आंसर मिल गया है, यानी कि x की वैल्यू मिली है 7, y की वैल्यू मिली है 18, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है, 7/18। आई होप आपको ये लिखना अच्छे से आ जाएगा, मैं बस थोड़ा एक्सप्लेनेशन का काम कर रही हूँ, ठीक है। आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन परफेक्ट है। तो आई होप आपको फ्रैक्शन मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, सेकेंड वन हो गया है। अब ये थर्ड वन हमको नहीं करना है क्योंकि ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है ना। हाँ, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, यहाँ पे मीन फाइंड करना रहेगा। हाँ, तो ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, ये हमको नहीं करना है। चलो आ जाते हैं, अभी हम लोग करेंगे फोर्थ वन हमारा एपी का क्वेश्चन है, तो ये करेंगे हम लोग। क्या दिया है, इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो एक कि ये भी हमारा प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देख लेना, नोटिस कर लेना, अच्छे से टेक्स्ट बुक खोल दो, आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। आई थिंक ये आपको ना प्रैक्टिस सेट 3.3 में दिख जाएगा, देख लेना, गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। क्या दिया है, एक एपी है, उसके 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स। कॉन्जिकेटिव का मतलब क्या होता है बता, कॉन्जिकेटिव मतलब लगातार आने वाले जो 3 टर्म्स है, लगातार एक के बाद एक आने वाले जो 3 टर्म्स है उनका जो सम है, सम मतलब उनका जो एडिशन है वो है 27, और उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो तीनों कॉन्जिकेटिव टर्म का वो है 504। तो हमको क्या करना है, वो 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और वो 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स क्या है, एपी में है, ये हमको दिया है, ठीक है। इन एन एपी बोला है, तो हमको यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कुछ दिया है, ब्रैकेट में हमको क्या बोला है कि हमको अज्यूम करना है कि वो जो 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स जो है एपी के, वो हमको अज्यूम करना है, वो हमको क्या लेने हैं, a - d, a और a + d, ठीक है। हमारा फर्स्ट टर्म होगा a - d, और इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो होगा a, और जो इसके बाद वाला टर्म होगा वो होगा a + d, यानी कि जो हमारे 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स है वो हमको ये लेने हैं। कौन से लेने हैं, a - d, a + d, ठीक है, यही लेने हैं हमको, और ये तीनों टर्म को लेके ही हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो बेसिकली अगर मैं तुमको बोलूँ ना, तो हमको क्या करना है, a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लेट ले लेंगे, लेट जो हमारे 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, लेट जो हमारे 3 कॉन्जिकेटिव, है ना, स्पेलिंग आई होप राइट होगी, 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स आर, आर क्या होगा हमारा ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, आपको पता होगा, बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, हमको क्या करना है, ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमको ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो हमको हमारे 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है, ए और डी की वैल्यू फाइंड करना। तो चलो यहाँ पे अभी लिखेंगे बाय कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है, बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि जब हम ये तीनों कॉन्जिकेटिव टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 27 मिलता है। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इनको क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 27, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब ये फर्स्ट कंडीशन को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, ये नीचे वाला भी मैं अंडरलाइन हटा देती हूँ ताकि हम अच्छे से सिंप्लीफाई कर सके। तो यहाँ पे देखो, सिंप्लीफाई में क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस डी प्लस डी हो गया, कैंसल, ए प्लस ए क्या होगा, 3a, तो 3a इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से एक्चुअली में हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 27 और ये मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 3, दैट इज 3 1 3, 3 9 27, यानी कि हमको a की वैल्यू मिल गई 9। देखो हमको a की वैल्यू तो कितने जल्दी मिल गई, a की वैल्यू मिल गई ना। अब सिर्फ d की वैल्यू फाइंड करनी है और वो हमको मिल जाएगी सेकेंड कंडीशन से। तो अब हम क्या बोलेंगे, बाय सेकेंड कंडीशन। तो आपको तो याद ही होगा कि सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी, कि अगर हम लोग क्या करते हैं, वो तीनों कॉन्जिकेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट मतलब वो तीनों कॉन्जिकेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यानी कि ये तीनों टर्म्स को अगर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो किसके इक्वल हमको मिलता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 504, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 504, ओके। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। अब लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले भी हम क्या करेंगे, ये जो ए की वैल्यू यहाँ पे आई है ना 9, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं यहाँ पे। तो ए के जगह पे 9 पुट करना है, अच्छे से शांति से करना। तो यहाँ पे आ जाएगा ए के जगह पे 9 माइनस डी, ठीक है, इंटू, यहाँ पे भी देखो ए है, इसके जगह पे 9 पुट करेंगे, ठीक है, इंटू, यहाँ पे भी ए है, ब्रैकेट लगा दो पहले, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, फिर यहाँ पे 9 प्लस और आगे है डी, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 504, ओके। समझ में आया इतना? हमने क्या किया, ए की वैल्यू पुट कर दी है, ए इज इक्वल्स टू 9 है ना, इसलिए हमने इस स्टेप में क्या किया, ए की वैल्यू 9 पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में 9 है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो डिवाइड में 9 हो जाएगा। तो दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे, और यहाँ पे देखो ये जो है और ये जो है वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो 9 माइनस डी यहाँ पर ही रहेगा, और इंटू यहाँ पे क्या है 9 प्लस डी, ये भी यहाँ पर ही रहेगा। बस ये जो मल्टीप्लाई में जो 9 है ना, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये चला जाएगा डिवाइड में, दैट इज 504 डिवाइड बाय 9। इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्मूला यूज होगा, और वो फॉर्मूला कौन सा होगा, जैसे कि यू नो दैट कि ए माइनस डी बोल दिया, एक मिनट, हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको पता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यस वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट के अंदर, इंटू दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है ना, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, ये कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही है। देखो एक ब्रैकेट में क्या है 9 माइनस डी और इंटू है फिर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 9 प्लस डी। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को नोटिस करोगे तो एक जैसे ही है। यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए का रोल प्ले कर रहा है 9, है ना, ए के जगह पे क्या है 9 है। और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, बी का रोल प्ले कर रहा है डी, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, डी प्ले कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा, 9 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, डी का स्क्वायर, है ना। वी नो दैट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का रोल 9 प्ले कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 9 का स्क्वायर, और जो बी है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है, डी प्ले कर रहा है, इसलिए हमने लिखा d का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा माइनस साइन, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है माइनस है, इसलिए समझ में आया। ठीक है, और ये तो क्या हो गया डिवाइड हो गए, 504 डिवाइड बाय 9 तो 9 × 9 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9 7 है ना, 9 7 नहीं सॉरी, क्या मैं भी पागल की जैसे बोल रही, 9 7 एक मिनट 9 कितने जा होगा 9 5 जा, हाँ 9 5 जा 45 होता है बरोबर। एक मिनट पहले तो मैं कलर ले लेती हूँ, हाँ 9 1 जा 9 9 5 जा देखो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 5 बचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 6 जा 54 है ना, तो यानी कि 56 आएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 माइनस यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 56। अब हम क्या करेंगे नंबर वाले टर्म एक तरफ, वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस में है ना माइनस डी स्क्वायर है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, और ये 81 तो यहाँ पर ही है यहाँ पर ही रहने दो, और ये प्लस 56 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 56। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 81 माइनस 56 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 11 और ये हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो 11 माइनस 6 कितना होगा 5 होगा, और 7 माइनस 5 कितना होगा 2 होगा, दैट इज 25 आया, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ओके, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, हमको अभी क्या करना है डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे टेकिंग क्या, यस वेरी गुड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो चलो स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, यस दोनों वैल्यू ले गए, यानी कि प्लस में भी ले गए और माइनस में भी ले गए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है +−5 यानी कि +5 भी होता है और -5 भी होता है बरोबर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी व्हाट +5 ऑल्सो एंड -5 ऑल्सो, और इसको दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं +5 और उसके नीचे -5। ठीक है, ऐसे लिखेंगे प्लस और उसके नीचे एक माइनस लगा देंगे और 5। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे +5 भी है और यहाँ पे -5 भी है, और दैट इज इक्वल टू डी, यानी कि डी की वैल्यू देखो +5 और -5 दो मिली है। ओके, रुको बताती हूँ, टेंशन मत लो, थोड़ा सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, अभी जैसे जैसे आगे जाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे है ना, तो एक मिनट अब बताती हूँ मेरे को आपको क्या करना है। देखो ए की वैल्यू मिल गई है, ए की वैल्यू हमको मिली है 9। ठीक है, डी की वैल्यू क्या मिली, डी की वैल्यू मिली है हमको +−5 यानी कि दो वैल्यू मिली है, तो अभी यहाँ पे देखना, अभी हमको क्या करना है, हमारे ये जो 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स है वो हमको फाइंड करने हैं, तो चलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ए की वैल्यू है ना, तो ए इज इक्वल्स टू 9 लेंगे, फर्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग ए इज इक्वल्स टू 9 लेंगे, एंड डी क्या लेंगे, डी इज इक्वल टू +5 लेंगे। ओके, फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे ये करेंगे, एंड सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम क्या करेंगे हम लोग ए इज इक्वल्स टू 9 लेंगे, क्योंकि ए की तो एक ही वैल्यू है दैट इज 9, एंड अभी इस बार क्या करेंगे डी की वैल्यू क्या लेंगे -5 लेंगे, क्योंकि डी के दो वैल्यू है ना, तो डी के अगर दो वैल्यू है तो हमको दोनों वैल्यूज लेके क्या करना है, वो 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट टाइम हम क्या लेंगे, ए की वैल्यू 9 लेंगे और उसके साथ डी की वैल्यू +5 लेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे ए की वैल्यू 9 लेंगे और उसके साथ डी की वैल्यू -5 लेंगे। तो इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जब लेंगे तो हमारे जो 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स है वो क्या आएंगे, चलो देखते हैं, और जब हम ये वाला लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे तो हमारे 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स क्या आते हैं वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है पता है, मेरे पेजेस खत्म हो गए हैं, पेजेस जो है ना वो थोड़े से खत्म हो गए हैं, तो एक मिनट मुझे ना ऐड करने दो यहाँ पे, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो केसेस हो गए, ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू क्या लेंगे, एंड डी की वैल्यू +5 लेंगे, एंड दूसरा केस क्या होगा a इज इक्वल्स टू 9 और d की वैल्यू क्या लेंगे -5 लेंगे। ठीक है, तो जो अभी ये देखो, ये फर्स्ट केस होगा, ये फर्स्ट केस होगा और ये हमारा सेकेंड केस होगा। तो फर्स्ट केस से जो हमारे 3 कॉन्जिगेटिव टर्म्स हो गए दैट विल बी व्हाट, जो हमारा फर्स्ट कॉन्जिगेटिव टर्म्स था, यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट कॉन्जिगेटिव टर्म था वो था a - d, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a - d एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी a और d की वैल्यू पुट करेंगे। जो सेकेंड टर्म है हमारा वो क्या है a है, और जो थर्ड टर्म है वो है a + d। तो अब बस यहाँ पे क्या करना है आपको, a और d की वैल्यू पुट करना है। सेम यहाँ पे a - d फर्स्ट टर्म, उसका सेकेंड टर्म है a एंड देयर थर्ड टर्म है a + d। ठीक है, चलो अब ये a क्या है, यहाँ पे हमारा 9 है, -d क्या है हमारा 5 है ना, +5 मतलब 5 ही, इसको सिर्फ 5 भी बोल सकते हैं, तो 5, तो a 9 है और d 5 है, तो 9 - 5 क्या होगा हमारा 4, यानी कि फर्स्ट टर्म मिल गया 4। a क्या है हमारा 9 है, a की वैल्यू डायरेक्टली 9 आई है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, तो सेकेंड टर्म मिला 9, और a + d मतलब 9 और प्लस डी मतलब 5, तो 9 + 5 कितना होगा हमारा, वेरी गुड 14 होगा। ठीक है, क्या होगा 14 होगा, 14 ही होगा ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हाँ, तो यहाँ से जो हमारे 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स निकल के आ रहे हैं वो क्या है, 4, 9, 14। अब यहाँ से जो हमारे 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है वो क्या निकल के आते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे a है 9, ठीक है, माइनस d क्या है हमारे पास -5, तो ब्रैकेट के अंदर -5 पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इक्वल टू 9, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +5। ठीक है, 9 + 5 कितना होता है 14, तो 14 आ जाएगा ना। अभी यहाँ पे भी a की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल जाएगी, 9 है तो 9। ठीक है, a प्लस d निकालते हैं, तो a है 9 प्लस d क्या है, d है -5। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 9 + माइनस होगा माइनस और फिर 5, तो 9 - 5 क्या होगा 4। तो इस केस से जो हमारे 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स निकल के आ रहे हैं वो क्या है, फर्स्ट टर्म है 14 कॉमा, दूसरा टर्म है 9 और थर्ड टर्म जो है वो है हमारा 4। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लो, अगर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो हमारा 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है वो क्या है, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म जो है वो क्या है 4, 9, 14। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या है, रिवर्स में है। यहाँ पे क्या है, रिवर्स में है, दैट इज 14, 9, 4। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। इसी को अगर हम लोग रिवर्स में लिखेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, एक दोनों के ये दोनों जो यहाँ पे मिले ना आंसर्स, वो क्या है एक दूसरे के रिवर्स हो गए। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो। ठीक है, 4th 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो हॉट्स होता है। क्या होता है, हॉट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये तो क्वेश्चन नहीं करना है हमको, हिस्टोग्राम बनाना है और हिस्टोग्राम हमारे स्टैटिस्टिक में है, हमको नहीं करना है। ये क्वेश्चन भी नहीं करना है क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन आई थिंक हमको करना पड़ेगा, थर्ड वन देखना पड़ेगा कि हमको क्या दिया है यहाँ पे। तो चलो थर्ड 1 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 square meter if the difference between their perimeters is 16 meter find the sides of 2 squares। यानी कि यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, 2 स्क्वायर्स है। ठीक है, हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर्स है और यहाँ पे हमको क्या दिया है, इनके एरियाज और इनका जो पेरीमीटर होगा ये दोनों के रिलेटेड हमको कुछ कंडीशन दी है। ठीक है, ये दोनों जो स्क्वायर का एरिया है और ये दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा उसके रिलेटेड कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है उसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है वो देख लो। क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। यानी कि हमको क्या करना है, ये दोनों जो हमारे स्क्वायर है इसका साइड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे लेट ले लेते हैं कि जो हमारा ये फर्स्ट स्क्वायर है इसका साइड हम लोग ले लेते हैं x, ओके, और ये जो हमारा सेकंड स्क्वायर है इसका जो साइड्स है वो हम लोग ले लेते हैं y। वी नो दैट कि जो स्क्वायर होता है उसके तो सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो हमने मान लिया है कि यहाँ पे 2 स्क्वायर्स है, उसमें से भी हम क्या मान रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर है वो बड़ा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, y से। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम ऐसा मान रहे हैं हम कि ये जो x जो साइड है वो बड़े वाले स्क्वायर की है और जो y जो साइड है वो छोटे वाले स्क्वायर की है, इसलिए x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, y से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंडीशंस दिए हैं ना इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, ये दोनों जो स्क्वायर है उनके एरियाज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 400 मिलता है। तो सबसे पहले तो देखो, वी नो दैट कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बताओ, आपको तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं पहले तो आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला क्लियर नहीं है, आपको फॉर्मूलाज नहीं आते तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि अगर हम लोग वो दोनों जो हमारे स्क्वायर है उनके एरियाज को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, दैट इज इक्वल टू 400 मिलता है। तो ये जो फर्स्ट स्क्वायर होगा इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, और इस स्क्वायर का जो हमने साइड लिया है वो x लिया है, तो यानी कि इस स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा दैट इज x स्क्वायर। ठीक है। और जो हमारा सेकेंड स्क्वायर है इसका जो साइड है वो हमने लिया है y, है ना, क्या लिया है y। तो इस स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, y का स्क्वायर, y का स्क्वायर। यानी कि ये दोनों स्क्वायर के एरियाज को अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 400 मिलता है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है और ये फर्स्ट कंडीशन से हमको हमारा पहला इक्वेशन मिल गया है। देख लो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, अच्छे से देख लो क्या है पहला इक्वेशन। जो है वो है हमारा, यहाँ पे मैं ये लाइन नीचे की रफ कर देती हूँ। पहला जो इक्वेशन है वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, समझ में आया ना। ये क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर है, ये है हमारा एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला हमने यूज करके हमने वो दोनों स्क्वायर का एरिया फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकेंड कंडीशन एक मिनट में देखती हूँ क्या बोलता है, एक मिनट देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 16 मीटर, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज 16 मीटर। यानी कि वो दोनों जो स्क्वायर है ना, उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 16 मीटर है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा स्क्वायर है इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ये जो हमारा स्क्वायर है इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है कि नहीं, पहले तो वो बताओ। तो अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय 4 इंटू साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर होगा इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 4x होगा, क्योंकि 4 इंटू साइड है हमारा फॉर्मूला। और जो फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड है वो हमने x लिया है, तो 4 इंटू साइड दैट इज 4 इंटू एक्स। ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। और जो सेकेंड स्क्वायर है ये हमारा, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू साइड। और इस स्क्वायर का साइड हमने लिया है y, दैट इज 4 इंटू साइड मतलब 4y, है ना, 4 इंटू वाई दैट इज 4y। तो ये हो जाएगा हमारा 4y दैट इज पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है कि जो डिफरेंस है ये दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर्स का वो क्या है, वो क्या है, डिफरेंस मतलब क्या, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4x माइनस 4y करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखो दिया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज व्हाट, 16 मीटर, 16 मीटर। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारे पास 16 मीटर है। तो हमने ये देखो, ये जो सेकंड कंडीशन है उसको भी मैथमेटिकली लिख दिया है। समझ में आया ना ये कैसे मैथमेटिकली लिखा है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो फिर से बता देती हूँ। ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर। और हमको कंडीशन में क्या दिया था, द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर। डिफरेंस मतलब क्या, डिफरेंस निकालना रहता है, मतलब क्या, हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर्स को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड वो क्या दिया है हमको, 16 दिया है, तो दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, सेकेंड कंडीशन है। लेकिन इसको अभी हम लोग तुरंत इक्वेशन नंबर 2 नहीं देंगे, इसको थोड़ा सा अभी हम लोग क्या करने वाले, देखो यहाँ से मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो सेकेंड कंडीशन से जो हमको इक्वेशन मिला है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ, देखो क्या करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को बाहर कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि देखो 4 तो कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा y। ओके, इक्वल टू 16। तो दैट इज यहाँ पे क्या होगा, x माइनस y। ये देखो, ये जो मल्टीप्लाई में 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। दैट इज यहाँ पे क्या मिला हमको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मिला। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। दैट इज हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है ना, x वेरिएबल की वैल्यू निकालते, तो x को यहाँ पर ही रखो, ये माइनस वाई जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, ये जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकाल दी, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस y। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने क्या किया है, ये जो x वेरिएबल की जो वैल्यू है वो निकाली है। तो अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें पुट करेंगे। यानी कि x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 4 प्लस y पुट करेंगे, ताकि ये जो इक्वेशन है ना, ताकि ये जो इक्वेशन है वो हमको क्या मिले, कंप्लीटली एक वेरिएबल में मिले। ठीक है, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से हमने क्या किया, ये x की वैल्यू निकाली। अब ये जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ताकि ये जो इक्वेशन है ना वो कंप्लीटली क्या हो जाए, एक वेरिएबल में हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, तो कंप्लीटली ये एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग बोलेंगे ये जो x की वैल्यू है दैट इज x इज इक्वल टू 4 प्लस y जो यहाँ से मिला है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुट। यहाँ पे लिखते, रुको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं लिख रही हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देना। बोले क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस y इन इक्वेशन 1। तो आपको इक्वेशन 1 तो पता ही है क्या है, जो एरियाज का जो सम है वो क्या है, 400 है। तो देखो मैंने तो बिना देख के ही लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 प्लस y पुट करेंगे। तो यहाँ पे x के जगह पे लिखेंगे 4 प्लस y और ये द होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, प्लस क्या है y² इज इक्वल्स टू 400। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे हमको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² बरोबर। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a² मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 2 4 हो जाएगा 8 एंड 8 इंटू वाई हो जाएगा 8y और फिर प्लस आ जाएगा हमारा y का स्क्वायर है ना। ये फॉर्मूला यूज किया है, आपको आई थिंक आता होगा ये फॉर्मूला यूज करना। फिर आप यहाँ पे प्लस आगे भी देखो क्या है, प्लस y² है तो y² लिख देंगे इक्वल टू 400। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 16 प्लस 8y और यहाँ पे ये लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, प्लस y² प्लस y² यानी कि y² प्लस y² क्या हो जाएगा 2y² इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको अरेंज करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हमारा पावर 2 वाला टर्म होता है, तो इसको हम लोग पहले सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे दैट इज प्लस 2y सबसे पहले। उसके बाद हमारा y वेरिएबल वाला टर्म होता है, प्लस मतलब कि पावर 1 वाला टर्म होता है, सॉरी पावर 1 वाला टर्म दैट इज प्लस 8y। और फिर यहाँ पे है प्लस 16, तो प्लस 16 को यहाँ पे यानी कि कॉन्स्टेंट लास्ट में होता है बरोबर। देखो पहले पावर 2 वाला टर्म, फिर पावर 1 वाला टर्म और फिर कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो ये जो प्लस 400 है ना, इसको भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये प्लस 400 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2y² प्लस 8y और इनको माइनस करना पड़ेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 400 माइनस 16 करेंगे तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। 10 माइनस 6 क्या होगा, 4 होगा। 9 माइनस 1 क्या होगा, 8 होगा और यहाँ पे 3 यानी कि 3 और ग्रेटर नंबर साइन भी देख लो, माइनस है तो माइनस 384 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है कि नहीं, हाँ मिला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है ना, इसको हम लोग और थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं। अब इसको और सिंपल कैसे बनाएंगे, रुको बताती हूँ। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है ना, यहाँ से हम लोग 2 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बोथ साइड हम लोग डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो बेटर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को हम लोग बाहर कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y² बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 4y बचेगा, 4y बचेगा क्योंकि 2 4 8 होता है बरोबर। और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे क्या बचेगा, हम क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा आंसर होएगा वो यहाँ पे बचेगा। जैसे कि 2 1 जा 2 होता है, फिर 1 बचेगा, 2 9 जा 18 होता है और फिर यहाँ पे बचेगा 2 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है। यानी कि क्या बचा यहाँ पे, 192 बचा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया ना। यहाँ पे देखो ये तीनों जो नंबर है ना, 2 8 और 384, ये तीनों नंबर जो है वो 2 के टेबल में जाते हैं, इसलिए हमने 2 को बाहर कॉमन निकाला है। तो 2 को जब बाहर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा y², यहाँ पे क्या बचेगा, 4y बचेगा क्योंकि 2 4 जा होता है 8। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, 4y बचेगा और ये माइनस। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचेगा वो कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, 384 को डिवाइड बाय 2 करेंगे। डिवाइड बाय 2 कर लो तो आपको पता चल जाएगा क्या आएगा आंसर, 196 आएगा। ठीक है, सॉरी 192 आएगा, 192 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे 192 है, ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये जो मल्टीप्लाई में 2 है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज y² प्लस 4y माइनस 192 इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो 0 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 0 ही होगा। यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, 0 ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो 0। अब फाइनली देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब फाइनली हमको हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है हमने ऊपर भी फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 192 है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 ही है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 192 इंटू 1 क्या होगा, 192 ही होगा। अब हमको क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 192 मिलता है और जिसको माइनस करने पे क्या मिलता है, 4 मिलता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी हमको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 192 मिलता है और जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला साइन है ना, इसलिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग वो दोनों नंबर्स फाइंड करेंगे और उसके बाद वो दोनों नंबर्स को साइन देंगे, ओके। पहले वो दो नंबर्स को फाइंड कर लो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा नंबर है ना, यहाँ पे ये जो नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा है, 192 अभी कौन से टेबल में आता है हमको कुछ याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 192 है ना, इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स तो आता ही होगा फाइंड करना। तो ये हमारा सबसे पहले जाने वाला है 2 के टेबल में, बराबर। 2 9 18 होता है, फिर 1 बचेगा, 2 6 12, अगेन ये 2 के टेबल में जाएगा, दैट इज 2 4 8, 1 बचेगा, 2 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, 2 4 8, अगेन यहाँ पे 2 2 12 24 होता है, उसके बाद 2 6, फिर आएगा 2 3 और 3 1। तो यहाँ पे देखो ये प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर दिए इस नंबर के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, दो नंबर्स फाइंड करने ना, दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 192 मिलता है और जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, हमको 2 ग्रुप बनाने हैं। तो मैं फर्स्ट ग्रुप में क्या करूंगी, फर्स्ट ग्रुप में मैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर लूंगी, ठीक है, यानी कि ये 3 नंबर लूंगी। और सेकंड ग्रुप में मैं क्या करने वाली हूँ, सेकंड ग्रुप में मैं दूसरा कलर लेती हूँ, रुको। सेकंड ग्रुप में मैं क्या करूंगी, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर लूंगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप होगा और ये हमारा सेकंड ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 हमारा पहला नंबर। और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 2 2 4 और 4 3 12। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स है हमारे पास, ये दोनों नंबर्स को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का आपको क्या मिलेगा, 192 तो मिलने ही वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो किसके प्राइम फैक्टर्स थे, 192 के थे। तो ये सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये सारे नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमको 192 तो पक्का मिलेगा। लेकिन जो हमारा मेन काम था वो क्या था, कि क्या ये दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 4 मिल रहा है क्या। हाँ, 16 को मतलब 16 - 12 करो, 16 - 12 करो ना, 4 मिल गया। तो यहाँ पे हमको वो दो नंबर्स मिल गए हैं, दैट इज व्हाट, 16 एंड 12। अब देखो यहाँ पे ध्यान से अगर आपने नोटिस किया है तो मैंने कुछ किया है। यहाँ पे क्या किया, देखो जब भी यहाँ पे ऐसे बड़ा नंबर होता है ना, बड़ा नंबर, तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया, समझ में आया, प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया। उसके बाद अभी ग्रुपिंग करेंगे, मतलब 2 ग्रुप बनाएंगे। अब वो 2 ग्रुप में आपको कितने नंबर्स लेने हैं, क्या लेने हैं, वो आप लोग डिसाइड करो। ऐसे जैसे कि मैंने क्या किया, एक ग्रुप में क्या किया, ये 3 नंबर रखे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हाईलाइट करके बताती हूँ। एक ग्रुप में मैंने क्या किया, ये 3 नंबर्स रखे, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में हमने क्या किया, दूसरे ग्रुप में हमने ये वाले नंबर्स रखे, ओके। और हमने देखा कि क्या हमको वो 2 नंबर्स मिल गए हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमको फर्स्ट ट्राई में ही क्या हो गया, वो 2 नंबर्स मिल गए। सपोज करो कि अगर हमको फर्स्ट ट्राई में वो 2 नंबर्स नहीं मिलते तो हम कुछ और ग्रुपिंग करते, हम कोई दूसरे नंबर की ग्रुपिंग करते और 2 ग्रुप बनाते। और उसके बाद हम लोग क्या करते, चेक करते कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो ऐसे ग्रुपिंग करते जाओ, आपको पक्का वो 2 नंबर्स मिल जाएंगे। हमको यहाँ पे फर्स्ट ट्राई में ही मिल गया, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो समझ में आया ना, ऐसा करना आप लोग, ठीक है। तो 16 और 12 हमारे ये 2 नंबर्स है। अब हमको इसको साइन देनी है, तो हम इसको ऐसी साइन देंगे। देखो ध्यान से सुनना, अब ये दोनों नंबर्स को हम लोग ऐसी साइन देंगे सच दैट कि इनको सॉल्व करने पे हमको क्या मिलता है, +4 मिलना चाहिए। क्योंकि ये हमारा मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म ही आगे जाके स्प्लिट होगा ना, स्प्लिट होगा, तो ये दोनों को ऐसी साइन दो ताकि हमको +4 मिले। तो इसके लिए ग्रेटर नंबर को प्लस साइन देनी पड़ेगी और स्मॉलर नंबर को माइनस साइन देनी पड़ेगी, तब जाके ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, है ना। साइन अलग अलग रखनी पड़ेगी तब जाके ये सब्ट्रैक्ट हो गए। दैट इज 16 - 12 होगा 4 और ग्रेटर नंबर साइन है ग्रेटर नंबर साइन है प्लस, तो प्लस आ जाएगा। समझ में आया? तो साइन वगैरह सब दे दिया। अब हमारा आ जाता है फैक्टराइजेशन मेथड आ जाएगा अभी। चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख देती हूँ, खिचड़ी हो गई है। y² + 4y - 192 = 0। चलो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर। अब ये 4y जो है +4y जो है उसकी जगह पे लिखेंगे +16y - 12y। ठीक है, क्या लिखेंगे? +16y - 12y और आगे है -192 = 0। अब ग्रुप बनाएंगे, ये एक ग्रुप बनेगा, ये एक ग्रुप बनेगा। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? y कॉमन निकलेगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे बचा y प्लस यहाँ पे क्या बचा 16। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे? सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा, पहले ही बताया था मैंने आपको। और क्या कॉमन निकलेगा? 12 कॉमन निकलेगा। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि देखो 12 के टेबल में 192 आता है, यहाँ पे ही तो किया था हमने, देखो ना। 12 16 जा जो है वो 192 होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखो 192 मिला था। यानी कि यहाँ पे एक तो माइनस साइन बाहर कॉमन निकली है और एक 12 कॉमन निकला है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे बचेगा y और ये माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगी? वेरी गुड, प्लस में चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाला है। और यहाँ पे क्या बचेगा? 16 बचेगा, क्योंकि 12 16 जा होता है 192। ठीक है, = 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट जब भी सेम आ रहे हैं मतलब हमारा फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे y + 16 और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे y - 12, ओके, = 0। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? y + 16 = 0 और y - 12 = 0। यानी कि ये जो 0 है वो इसको भी मिलेगा और ये जो 0 है वो इसको भी मिलेगा और बीच में और लगा देना। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y ये +16 है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -16 और यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? ये -12 है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +12। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाली जो वैल्यू है ना वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि y क्या रिप्रेजेंट करता है? y जो स्क्वायर है उसके साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो साइड है, साइड का जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सिंस लिखा है, सिंस नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ये ऐसे लिखेंगे हम लोग। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम लोग क्या बोलेंगे कि y = -16 इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। आपको याद है ना y क्या है? ये x और y क्या थे हमारे? आपको याद नहीं है तो बता देती हूँ, एक मिनट, बहुत बड़ा है ये। x क्या है हमारा? ये जो फर्स्ट स्क्वायर है उसका साइड का लेंथ है और जो y है, ये जो y है वो क्या है? हमारे सेकेंड स्क्वायर है उसके साइड का लेंथ है। तो x और y क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यानी कि हम बोल देंगे कि y = -16 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज हम बोल देंगे कि साइड्स ऑफ स्क्वायर या लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। ओके, ऐसे लिखेंगे, अच्छे से लिखना। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे बिकॉज लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, नेवर नेगेटिव, अच्छे से प्लीज आप लोग लिख देना। ठीक है, तो यानी कि y की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? यानी कि y की वैल्यू मिली हमको 12, यानी कि जो हमारा छोटा वाला स्क्वायर है उसके जो साइड का लेंथ है वो हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर ही होगा ना, क्वेश्चन में क्या दिया है? सॉरी, मीटर। तो मीटर लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे, है ना, यूनिट का भी मार्क्स होता है, तो मीटर है, मीटर, तो मीटर लिखेंगे। नाउ व्हाट अबाउट जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर था जो बड़ा था, इसकी साइड क्या होगी? इसके साइड का लेंथ क्या होगा? x ना, तो x को कैसे फाइंड करेंगे अभी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन होगा कहीं बीच में, यहाँ पे देखो, हाँ ये इक्वेशन नंबर 2 देखो। इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे? y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज x = 4 प्लस y की वैल्यू क्या मिली है? 12 मिली है, 12। ठीक है, तो दैट इज x = 4 + 12, दैट इज 16। यानी कि जो हमारा फर्स्ट सर्कल है जो बड़ा था इसके जो साइड का लेंथ है वो हमको मिला है 16, दैट इज 16 मीटर एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू 12 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझता है तो एक बार फिर से वीडियो को देखना और इसका नोट्स जरूर बना देना, अच्छे से प्रॉपरली प्लीज बना देना आप लोग, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, पहले तो मैं देख लेती हूँ कि इसमें से हमको कौन सा क्वेश्चन है सिलेबस में। तो ये दोनों क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, ठीक है, ये दोनों हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड सॉल्व। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है देखो, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से देख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। अब आप सॉल्व कोई भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड से तो कोई नहीं करता है, ये तो गारंटी है। तो एलिमिनेशन मेथड या क्रैमर्स रूल, जो भी आपकी मर्जी हो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ एलिमिनेशन और क्रैमर्स रूल। लेकिन सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन पता है ना, मतलब कि इस इक्वेशन को क्या करना है हमको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और इसको भी हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, ये इक्वेशन जो है वो हमारे आंसर्स की में एक क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है ना, तो इसको हटाना है ना, हटाने का काम करना है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर लेते हैं। लेकिन स्क्वायर क्या हम लोग सिर्फ एक बाजू, मतलब एक साइड में ले सकते हैं क्या, नहीं। तो अगर स्क्वायरिंग करना है तो दोनों साइड करो, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये एक्स अपॉन वाई जो है, ये दोनों जो है ये पूरा फ्रैक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट थोड़ा सा बड़ा बनाना। तो ये यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल्स टू ये जो 4 है यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ओके। अब हम क्या करेंगे देखो, ये जो डिवाइड में वाई है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू वाई, है ना। यहाँ पे देखो ये जो हमारा y डिवाइड में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 16 इंटू वाई यानी कि 16y। अब हम क्या करेंगे देखो, आ गया है साइमल्टेनियस, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रहा है ये। अब हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पे ये x है, ये प्लस 16y है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 16y, ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा फिर, कुछ नहीं, दैट इज 0। देखो ये आ गया, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया, ओ वाओ। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन था इसमें हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और हमको हमारा पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया है। अब यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें क्या करोगे आप लोग, बताओ इसमें क्या करोगे, बताओ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई, प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स, अपॉन x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स वाई। अरे वाह, ये तो आ गया यार, इतने जल्दी आ गया। यहाँ पे देखो ये जो एक्स वाई है और ये जो एक्स वाई है वो कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं समझा तो रुको बताती हूँ कैसे कैंसल आउट होता है, वो मैं बताती हूँ, रुको, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट रहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है वाई प्लस एक्स है, तो वाई प्लस एक्स लिख दो। अब ये देखो ये जो डिवाइड में x इंटू वाई है वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना, दैट इज 1 इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई ही होगा। तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई, और अपॉन में तो ऑलरेडी एक्स वाई था ही, तो एक्स वाई। अब देखो ये एक्स वाई हो गया कैंसिल, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो ये जो हमको हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया है। समझ में आया ना ये स्टेप, ये देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मिला यहाँ पे, तो ये एक्स वाई हो गया कैंसिल, यानी कि क्या इक्वेशन आया हमको, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, अरेंज कर दो मतलब पहले सबसे पहले एक्स वेरिएबल वाला टर्म होता है, तो ये प्लस एक्स को इधर लिख दो और इसको बाद में लिखो, ठीक है। एक्स वेरिएबल वाला टर्म, वाई वेरिएबल वाला टर्म, इक्वल टू और बाद में कॉन्स्टेंट। तो इसको कुछ नहीं किया है, बस ये प्लस एक्स जो है ना उसको पहले लिखा है और ये जो प्लस वाई था उसको बाद में लिखा है, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब बस क्या करना है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं, फटाफट हो जाएगा। तो ये दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे एक्स जो वेरिएबल है, ये जो हमारे दोनों इक्वेशन का एक्स वेरिएबल जो है, इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और इनकी साइन सेम है। देखो ये दोनों की साइन क्या है, सेम है, प्लस प्लस है। तो जब साइन सेम होती है तो हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हाँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखती हूँ एक्स माइनस 16y इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन की साइन डाल दी। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, नीचे जो हमारा इक्वेशन होता है उसके सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्लस 1 है ये माइनस 1 हो गया, ये जो प्लस है ये माइनस हो गया और ये जो प्लस एक्स है ये माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 माइनस 1 क्या होगा, 0 माइनस 1 होगा -1, है ना। देखो 0 माइनस 1 क्या होगा, -1 होगा, तो ये -1 हुआ। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 16y प्लस वाई क्या होगा, 16y प्लस वाई होगा 17y और ग्रेटर टर्म साइन क्या है, माइनस है तो माइनस आएगा। और ये प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया कैंसिल, दैट इज ये माइनस हुआ कैंसिल। और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या इक्वेशन आया, 17y इज इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू मिली y इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई में 17 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 17, यानी कि y की वैल्यू मिली है हमको 1/17। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो। तो ये ईजी लग रहा है, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पुट y इज इक्वल्स टू 1/17 इन इक्वेशन व्हाट, इन इक्वेशन 2, ओके। तो यानी कि इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो दैट इज x प्लस वाई के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/17 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज x। यहाँ पे देखो अब ये प्लस 1/17 है ना, तो ये पूरा क्या है, एज अ एक टर्म देखो, इसको एज अ पूरा एक टर्म देखना, ठीक है। तो ये प्लस 1/17 जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 1 - 1/17। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू 1 × 17 होगा 17 माइनस 1/17, है ना। 1 × 17 17, 1 1 जा 1 अपॉन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है ना तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है, दैट इज 17 × 1 17 माइनस 1 × 1 1 अपॉन 17, 1 जा 17, ठीक है। सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 17 - 1 16, दैट इज 16/17 इज अवर आंसर। तो यानी कि x की वैल्यू मिली है 16/17 और y की वैल्यू मिली है 1/17, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, सच बोलती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो हमको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बाहर से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वाला क्वेश्चन वो टेक्स्ट बुक के बाहर से होता है, लेकिन सिलेबस का ही होता है। देखो सिलेबस का ही तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको अपना लॉजिकल माइंड यूज करना है, ठीक है, ओके। चलो अभी सेकेंड वन करते हैं। सेकेंड वन क्या दिया है, अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24 एंड गेन्स as much percent as the cost price of the toy, find the cost price of the toy, okay। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। क्या दिया है यहाँ पे कि एक टॉय है, ठीक है, एक खिलौना है और उसको कितने में सेल किया गया है, उसको कितने में सेल किया गया है, ₹24 में सेल किया गया है। यानी कि एक जो डीलर है उसने उस टॉय को ₹24 में सेल किया है, यानी कि हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस है उस टॉय का, ठीक है, बेचने का जो प्राइस है वो हमारे पास है, एंड दैट इज इक्वल टू ₹24। ये समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो देख लो कि क्या फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है कि ये जो टॉय है हमारा उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि इस टॉय का कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस तो आप समझते ही हो, यानी कि इस टॉय को बनाने में जो खर्चा आया, इस टॉय को जो बनाने का जो कॉस्ट लगा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और वो हमको फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं, ले लेते हैं कि ये जो टॉय है इसका जो कॉस्ट प्राइस है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, ₹x है। ठीक है, ये हम लोग लेट ले लेते हैं, ये लेट लिया हमने। ओके, अब आगे देखो क्या दिया है। पहले तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24, यानी कि एक डीलर है वो इस टॉय को ₹24 में क्या करता है, बेचता है। यानी कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है इस टॉय का, दैट इज ₹24। एंड यहाँ पे क्या बोला है, एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। ओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इसको मैं हाईलाइट भी करने वाली हूँ। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। इसका मतलब क्या होता है कि उस गेन का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझते हैं। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। तो उस डीलर को कितना प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे देखो प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दिया है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे देखो मैं एक चीज बताती हूँ आपको, जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में भी होता है और रुपीस में भी होता है, और ये दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में भी हम लोग मतलब प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में भी हो सकता है, या जो प्रॉफिट है वो रुपीस में भी हो सकता है, और ये दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड गेन्स, गेन्स मतलब प्रॉफिट। ठीक है, एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, यानी कि ये जो डीलर है, ये जो डीलर है उसको कितना गेन होता है, कितना गेन होता है मतलब कि उसको कितना प्रॉफिट मिलता है, ये जो ये टॉय सेल करता है ना, तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। यानी कि उस टॉय का जो कॉस्ट प्राइस है ना, उस टॉय का जितना भी कॉस्ट प्राइस है उतना उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। क्या है इस टॉय का, देखो कॉस्ट प्राइस हमने लेट लिया है x, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है दैट इज इक्वल टू x%। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा, x% है। वाई, बिकॉज यहाँ पे बोला है कि जो डीलर को जो गेन्स हुआ है, गेन्स मतलब जो उसको प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। यानी कि जो भी उस टॉय का कॉस्ट प्राइस है उतना उसको प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास तीन चीजें हैं। क्या है, एक तो उस टॉय का सेलिंग प्राइस है और वो है ₹24। हमको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, और कॉस्ट प्राइस हमने लिया है ₹x। और यहाँ पे हमको क्या बोला है कि डीलर को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और वो जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में दिया है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, उसको प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है, जितना उस टॉय का कॉस्ट प्राइस है उतना उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और वो जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज वाला प्रॉफिट है, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, x%। क्योंकि क्रॉस प्राइस x है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा x%। ठीक है, समझ में आया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस है उसको कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बताती हूँ, रुको। पहले तो देखो जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो क्या है, मैं बताती हूँ। जो हमारा फॉर्मूला है ना वो क्या है, यहाँ पे बताती हूँ। देखो जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है ना वो रुपीज में है। देखो प्रॉफिट दो तरीके से लिखा जाता है, एक परसेंटेज में लिखा जाता है, एक रुपीज में लिखा जाता है, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, ये आपने बचपन में 8th स्टैंडर्ड में किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट की बात हो रही है वो रुपीस की बात हो रही है। यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस है वो भी रुपीस में है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो भी रुपीस में है। तो यहाँ पे ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट कैसे, देखो प्रॉफिट को अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, जो भी सेलिंग प्राइस होगा टॉय का उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को, यानी कि जो भी उस टॉय को बनाने का जो खर्चा हुआ है उसको माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस से, तो जो बचा हुआ प्राइस होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रॉफिट है वो ये जो प्रॉफिट है वो रुपीस वाला प्रॉफिट है, तो हमको जो हमारे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है वो परसेंटेज वाला प्रॉफिट दिया है। तो सबसे पहले इस जो ये जो परसेंटेज वाला जो प्रॉफिट है ना उसको क्या करना पड़ेगा, रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रुपीज में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो एक बार हमको जो प्रॉफिट है वो रुपीज में मिल जाएगा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और फिर एसपी तो हमारे पास है ही, सेलिंग प्राइस क्या है 24 है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस तो हमको फाइंड करना है वो एक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे मेन हमको क्या करना है, जो प्रॉफिट है ना वो रुपीज में फाइंड करना है। प्रॉफिट जो रुपीज में है ना वो हम लोग फाइंड करेंगे। जब वो एक बार मिल जाएगा तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। एसपी तो हमारे पास है ही 24 और कॉस्ट प्राइस जो है वो है हमारे पास एक्स है ना, वो तो मतलब वही तो फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो यानी कि अभी ये जो प्रॉफिट है उसको रुपीज में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो रुको मैं यहाँ पे बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। पहले तो मैं ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर हमको क्या करना है, प्रॉफिट को रुपीज में फाइंड करना है तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने बचपन में देखा होगा, दैट इज वो क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है दैट इज गिवन बाय व्हाट, दैट इज गिवन बाय प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इनटू 100। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रॉफिट लिखा है वो परसेंटेज वाला प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखा है वो हमारा रुपीज वाला प्रॉफिट है। तो हम ये रुपीज वाला प्रॉफिट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या है, एक्स है, तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट जो रुपीज में है वो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट रहेगा अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या लिया है हमने एक्स लिया है तो एक्स आएगा नीचे, इनटू 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। तो ये डिवाइड में हमारा एक्स है तो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में 100 है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 100, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्रॉफिट की वैल्यू मिली है ना ये अभी हमको रुपीज में मिली है। ठीक है, तो दैट इज हम बोल देंगे कि जो प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 रुपीज। ठीक है, अब ये रुपीज वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, ये फॉर्मूला शायद आपके लिए नया नया होगा। यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला है क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। और यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज वाला प्रॉफिट है, इसलिए हमने इसके नीचे क्या लिखा, एक्स लिखा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमको दिया है और वो क्या है, कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। तो कॉस्ट प्राइस हमने एक्स लिया है, इसलिए प्रॉफिट परसेंट भी क्या हो गया, एक्स परसेंट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट इज एक्स, तो इसके नीचे एक्स लिखा है। ये प्रॉफिट तो हमको फाइंड करना है, रुपीज वाला प्रॉफिट ही तो हमको फाइंड करना है ना, तो वो प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट ही रहेगा अपॉन सीपी हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स इंटू 100। अब ये डिवाइड में जो हमारा एक्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। और ये मल्टीप्लाई में जो 100 है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमको मिल गया है रुपीज में। अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, हमारा मेन फॉर्मूला मतलब कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। एक मिनट में यहाँ पे जो पेज है ना, एक ब्लैंक पेज, मैं ब्लैंक पेज में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो, अगर अभी तक आपको नहीं समझा है तो टेंशन मत लो, बहुत ही सिंपल वे में अभी समझाती हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक टॉय है और उसका सेलिंग प्राइस हमको दिया है दैट इज 24 रुपीज, यानी कि एसपी होता है वो। ठीक है, एसपी शॉर्टकट में एसपी से डिनोट करते हैं। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 24 रुपीज। सेलिंग प्राइस मतलब उसको कितने में बेचा, उसको बेचने का जो भाव है वो है 24 रुपीज। ठीक है, हमको क्या करना है, उस टॉय का जो कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड करना है। तो हमने लेट ले लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है उस टॉय का वो है रुपीस एक्स। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब उस टॉय को बनाने का जो खर्चा, उस टॉय को मटेरियल, मतलब उस टॉय को बनाने के लिए कुछ मटेरियल लगा होगा है ना, कुछ मशीन लगी होगी, तो वो जो भी खर्चा है, उस टॉय को बनाने का जो भी खर्चा है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस है उस टॉय का वो हमको फाइंड करना है, तो वो हमने ले लिया रुपीस एक्स। अब यहाँ पे देखो, जो डीलर है ना उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है, गेन मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। अब उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना वो परसेंटेज में दिया है। यहाँ पे देखो, प्रॉफिट को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक तो रुपीज में लिख सकते हैं, एक परसेंटेज में लिख सकते हैं, और दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, दोनों के वैल्यूज में बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट की बात हो रही है, यहाँ पे जो डीलर प्रॉफिट की बात कर रहा है वो परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो डीलर को कितना गेन हुआ है, यानी कि डीलर को कितना प्रॉफिट हुआ है, और ये जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, and gains as much percent as the cost price of the toy, यानी कि जो भी उस टॉय का कॉस्ट प्राइस है उतना क्या हुआ है उस डीलर को क्या हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट एक्स परसेंट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है इस टॉय का एक्स है, तो मतलब कि प्रॉफिट परसेंट भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स परसेंट हो जाएगा। जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही क्या है प्रॉफिट परसेंट है, इसलिए हमने बोला कि जो प्रॉफिट परसेंट है दैट इज इक्वल टू एक्स परसेंट। समझ में आया इतना? ठीक है। अब देखो ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है और जो हमारा प्रॉफिट है, इसके इन सबको कंबाइन करके जो हमारा मेन फॉर्मूला बनता है ना वो क्या है, वो जो फॉर्मूला है वो क्या है कि प्रॉफिट जो होता है दैट इज गिवन बाय व्हाट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमारा मेन फॉर्मूला है ओके। और यहाँ पे ये जो प्रॉफिट की बात हो रही है ना ये रुपीज वाले प्रॉफिट की बात हो रही है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो रुपीज में है और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो भी रुपीज में है, तो अगर दो रुपीज वाले को माइनस कर रहे हैं तो आंसर फाइनल आंसर भी क्या होता है रुपीज में आता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट की बात होती है वो रुपीज की बात होती है। यहाँ पे देखो अगर हमको ये फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मतलब कि ये लॉजिक वाला फॉर्मूला है। देखो प्रॉफिट को कैसे फाइंड करोगे, प्रॉफिट क्या होता है बताओ। सपोज करो कि ये एक टॉय है, ठीक है, ये टॉय है, तो अगर मुझे फाइंड करना है कि इसका प्रॉफिट क्या हुआ है, मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर वो मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, जितने में मैंने इसको बेचा उसमें से मैं क्या करूँगी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगी। कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगी मतलब मैंने क्या माइनस किया, इसको जितना बनाने में जो मेरे को खर्चा लगा, इसको बनाने का जो खर्चा लगा मेरे को वो मैं माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो फिर जो बच गया, जो अमाउंट बच गया वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं? देखो इसको जितने में मैंने बेचा उसमें से मैं क्या करूँगी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगी, मतलब कि जितना भी इसको बनाने में जो मेरा खर्चा लगा ना वो तो मेरे पैसे गए ना, मतलब कि मैंने खुद के जेब से डाले ना, तो वो मैं माइनस कर दूंगी। तो जो भी प्राइस बचा, जो भी अमाउंट बचा वो हो जाता है मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज गिवन बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में क्या, मतलब ये फॉर्मूला हम लोग अभी क्यों नहीं फिलहाल यूज कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है ना वो परसेंटेज वाला प्रॉफिट गिवन है। तो हमको सबसे पहले तो प्रॉफिट जो है वो रुपीज वाला फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और एसपी तो हमारे पास है दैट इज 24 और कॉस्ट प्राइस तो हमको फाइंड करना है, वो हमने एक्स लिया है, बरोबर। बस यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो प्रॉफिट है ना वो हमारे पास नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज में है लेकिन रुपीज वाला नहीं है, तो वो फाइंड करने के लिए अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम बोलेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है दैट इज गिवन बाय दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अपना एक्स है तो एक्स लिखेंगे, इक्वल टू प्रॉफिट हमको फाइंड करना है। ये देखो ये जो प्रॉफिट है ना वो रुपीज वाला प्रॉफिट है, ठीक है, तो यही हमको फाइंड करना है, ये मेन है अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है टॉय का, वो तो हमने एक्स लिया है तो एक्स इंटू 100। अब ये देखो ये जो हमारा एक्स यहाँ पे डिवाइड में है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में जो 100 था वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में 100, इक्वल टू प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट हमको मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और ये हमारा रुपीज वाला प्रॉफिट है। अब हम क्या करेंगे इसमें अपनी वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हमको मिल गया है रुपीज वाला दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ओके, और सेलिंग प्राइस है 24 माइनस कॉस्ट प्राइस है अपना एक्स, है ना, ओके। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन एम क्या है, मेन गोल क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। जब एक्स मिल जाएगा तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा और वही हमको फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो डिवाइड में 100 है, ये जो हमारा डिवाइड में 100 है उसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, दैट इज 100 इनटू ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे 24 माइनस एक्स, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 100 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 100 इंटू 24 क्या हो जाएगा 2400 माइनस 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 100x, ओके। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मिल रहा है, बरोबर। अब सबको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर और ये माइनस 100x है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 100x, और ये जो हमारा प्लस 2400 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2400, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो 2400 इंटू 1 क्या होगा, 2400 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, दो नंबर्स ऐसे फाइंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है, 2400 मिलता है, और जिसको माइनस करने पे हमको क्या मिलता है, 100 मिलता है। जिसको माइनस करने पे हमको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। चलो बताओ ऐसे दो नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको 2400 मिलता है और जिसको माइनस करने पे 100 मिलता है। तो ऐसे दो जो नंबर्स हो गए ना, वो हो गए हमारे 120 और 20। हाँ ये देखो, ये है हमारे वो दो नंबर्स। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़ा है ना ये नंबर, तो आपको तो पता ही है कि जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ बड़ा नंबर होता है तो आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे और उसके बाद ग्रुपिंग वगैरह करोगे। लेकिन ये इजी है रे, ये इजी है। देखो ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं ना जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2400 मिलता है और जिसको माइनस करने पे 100 मिलता है, तो वो दो नंबर्स तो ईजी है। यहाँ पे देखो, अगर आप ये 120 और 20 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखो 12 इंटू 2 क्या होता है, 24, और ये दो जीरो है तो दो जीरो लगा दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2400 मिल रहा है, और इन दोनों को माइनस करो, तो आपको 100 मिलेगा। यानी कि हो गया ना, हमको मिल गए हमारे दो नंबर्स क्या है, 120 और 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इनको साइन देनी है। अभी साइन देने की बारी आ गई, तो इनको ऐसी साइन दो सच दैट कि हमको रिजल्ट में क्या मिले, +100 मिले। तो रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, +100 मिलना चाहिए। यानी कि ग्रेटर नंबर को प्लस साइन देनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनल साइन ग्रेटर नंबर की साइन लगती है, और यहाँ पे हमको प्लस चाहिए इसलिए, और स्मॉलर नंबर को साइन अलग देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होगा तभी जाके 100 मिलेगा ना। तो साइन डिफरेंट होनी चाहिए दोनों की, उसमें भी ग्रेटर नंबर को प्लस, स्मॉलर नंबर को माइनस। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको +100 ही मिलेगा। ठीक है, हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। न्यू पेज ले लेती हूँ, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x² + 100x - 240 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x²। अब ये जो +100x है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं +120x - 20x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे +120x - 20x, और आगे है 2400 इज इक्वल्स टू 0। अब ग्रुप बना देंगे, ये ग्रुप बना दिया। इसमें से क्या करोगे आप, x को बाहर कॉमन निकालोगे, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस, यहाँ पे बचा 120। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन होती है, तो मैंने क्या बोला था, बाहर कॉमन निकालना है, तो माइनस साइन को बाहर कॉमन निकालेंगे, और क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे देखो 20 कॉमन निकलेगा। क्यों? क्योंकि वी नो दैट 20 इंटू 120 जो है वो होता है 2400। तो यानी कि ये दोनों जो नंबर्स है, ये दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन निकलेगा, 20 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 120 होता है 2400। ठीक है, तो -20 कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे बचेगा x, और ये माइनस साइन चेंज हो जाएगी प्लस में, और यहाँ पे आएगा 120। वाई? बिकॉज 120 होता है 2400। ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट्स हमारे ये सेम है, मतलब वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे x + 120 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x - 20 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज x + 120 इज इक्वल्स टू 0 और x - 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे +120 है, वहाँ पे शिफ्ट होगा तो -120 हो जाएगा, और x ये -20 है, वहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +20। तो यहाँ पे देखो x के दो वैल्यूज मिले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाएंगे, इसका एक रीजन है, क्योंकि x क्या डिनोट करता है, कॉस्ट प्राइस डिनोट करता है। बरोबर, हमने लेट लिया था ना कि जो कॉस्ट प्राइस है टॉय का वो क्या है, ₹x है। तो x एक प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्राइस कभी भी नेगेटिव में होता है क्या, नहीं। रुपीस कभी भी नेगेटिव में होता है क्या, नहीं। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि x = -120 इज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो हम लोग बोल देंगे बिकॉज, रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज x जो है, बिकॉज हम ऐसे बोलेंगे, बिकॉज कॉस्ट प्राइस, ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, इज नेवर नेगेटिव। ओके, इज नेवर नेगेटिव। तो देयरफॉर हम बोलेंगे, देयरफॉर x की क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, x = 20 को एक्सेप्ट करेंगे। तो देयरफॉर हम बोल देंगे जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय जो है दैट इज इक्वल टू ₹20, क्या है, ₹20 है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या मिला हमको, 20 मिला। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा। थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था हमारा। ये फाइनल क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा, मतलब कि थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा वन शॉट ख़त्म कर दिया। ऐसे ही हम लोग ज्योमेट्री का भी वन शॉट वीडियो में आपको आपके लिए जल्द ही लेके आओगी, ठीक है। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना आपके फ्रेंड लोग के साथ, ताकि मैक्सिमम बच्चों को क्या हो, बेनिफिट हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।